मॉर्निंग बच्चों, देखो बेटा सेशन एक बार चेक कर ले। शुरू हाँ हो गया बेटा। चलिए तो आज बेटा बिल्कुल मजे से सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ो। वैसे मेरा आज का प्लान कुछ न्यूमेरिकल्स का था, पर न्यूमेरिकल्स क्योंकि आरआईबी में भी होने हैं और कुछ मैं कराऊंगा भी, कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, है ना। तो पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक हेडिंग दूंगा यूट्यूब पे, कैसे आएगा, न्यूमेरिकल्स ऑन टर्बो मशीनरी। टर्बो मशीनरी मतलब समझ गए बेटा, जितने भी है ना, ये अपना टर्बाइन हो गया, इम्पैक्ट ऑफ जेट हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, सबके न्यूमेरिकल्स एक साथ चलेंगे सीरीज में, है ना। ऐसा कर लेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना। तो सबसे पहले आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में कुछ समझाते हैं। ये देखो कुछ आपके डाउट्स भी आए हुए हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट पर, एक दो बच्चों ने डाउट भी भेजे, करा दूंगा बेटा सारे डाउट्स करा दूंगा, है ना, ठीक है। हाँ नीरज, मैं वही बता रहा हूं कि जो मूविंग कर्व प्लेट है कैसे उसका डायग्राम बनता है, ठीक है, वो सारे मैं करा दूंगा। कि कई बार क्या होता है, जैसे ये कर्व प्लेट है तो यहां से जेट आया बेटा, यहां से जेट आया और यहां से निकला, ऐसा भी होता है, ऐसे भी न्यूमेरिकल होते हैं बेटा, ऐसा केस है ना। तो ये वाले न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, ठीक है, आपका डाउट शायद यही है, ये वाला डायग्राम है, ये सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कुछ यहां पर हो जाएंगे और कुछ आरआईबी पे हो जाएंगे। देखो आरआईबी मतलब जो प्लस पे चलेगा, अनएकेडमी प्लस पे चलेगा, वहां पर पूरा एक 15 दिन की सीरीज है बेटा, जिसमें न्यूमेरिकल्स ही करानी है, केवल न्यूमेरिकल्स, कोई थ्योरी नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप, अब इसका डिजाइन कैसा होता है, वोर्टेक्स केसिंग क्या होती है, वॉल्यूम केसिंग क्या होती है, गाइडेड केसिंग क्या होती है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, है ना, बाद में डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले कुछ बढ़िया पॉइंट सीखो, और ऐसे पॉइंट जो आपको ये सिखाएंगे कि हाँ सच में सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो किस लेवल तक काम कर सकती है और कहां पर जाके फेल हो जाती है, ठीक है ना, या कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट डाल दो, सीपी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ रेडियल फ्लो फ्रांसिस टर्बाइन जस्ट अपोजिट है बेटा। जैसे आपको दिखाता हूं फ्रांसिस टर्बाइन कैसे था, अगर आपको याद हो तो रेडियल फ्लो फ्रांसिस टर्बाइन बेटा ऐसे था, कुछ ऐसे, है ना, देखना जरा इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, इधर थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, आई थिंक इट विल बी बेटर, ठीक है। तो आपने यहां पर एक डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा आपने बेटा ऐसा डायग्राम बनाया था, ये तीन वेलोसिटी आपने दिखाई थी, क्या क्या थी, ये U1 V1 और ये क्या था बेटा VR1। अभी मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आपका फ्रांसिस टर्बाइन का जो ब्लेड था वो ये था, और क्योंकि ये रेडियल है बेटा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये रेडियल है तो क्या करना है रेडियल में, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है बेटा सिखाने के लिए। ये बन गया बेटा, ये हो गया आपका U2, ये हो गया आपका V2 और ये हो गया आपका VR, ध्यान से देखना बेटा VR2। और इसमें बीटा बता सकता है कोई, बीटा कितना है बेटा, याद है आपको बीटा कितना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना बेटा, पूरे फंडे क्लियर कर दूंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के, ठीक है, बताओ बीटा कितना है, बीटा 90 है, बिल्कुल सही है बेटा। बीटा कौन सा एंगल है, ब्लेड की, देखो ब्लेड के मोशन की डायरेक्शन, ब्लेड के मोशन की, ब्लेड ऐसे जा रहा है बेटा ऐसे, ठीक है, तो ब्लेड के मोशन की डायरेक्शन से क्या है, ये जो एंगल है ये क्या है बीटा, एंड व्हाट इज बीटा, 90 डिग्री। अगर आपको दिखा नहीं है तो आप फाइल ही दिखा सकते हो, ये ब्लेड एंगल हो गया, ये गाइड ब्लेड एंगल हो गया, ओके, यहां दिखाना है तो बेटा यहां से आप दिखा सकते हो, दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा, ओके, बट प्लीज रिमेंबर इसको जस्ट उल्टा कर दो बेटा, घुमा दो इसको, हाँ जस्ट इसको क्या कर दो, घुमा दो, यार मैं कुछ कट रहा हूँ, हाँ इस साइड से रुको जरा, थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ बेटा, आई थिंक इट्स ओके नाउ,
ओके। तो ये देखिए, इसको बेटा क्या करो, उसका उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब क्या है, उल्टे का मतलब क्या है, पानी यहां पर है। ये देखो मैं आपको रेड कलर में पानी दिखा रहा हूं बेटा, अभी पानी यहां पर जा रहा है, यहां ऐसे, ये पानी है बेटा, ठीक है, ऐसे जा रहा है। उल्टा कर दो मतलब घुमा दो इसे 180 डिग्री। भाई उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है कि माइनस एक्स एक्सिस है प्लस एक्स एक्सिस है, घुमा दो बेटा, प्लस को माइनस बना दो, माइनस को प्लस बना दो, बन गया आपका, क्या बन गया, फ्रांसिस टर्बाइन जो था वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कन्वर्ट हो गया उल्टा, ठीक है। तो चलो एक काम करेंगे, पहले तो इस प्लेट को घुमा देते हैं बेटा। तो ये क्या है हमारे पास, ये टर्बाइन है बेटा, ये क्या है, टर्बाइन, टर्बाइन की ब्लेड की डिजाइन दिखाई गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले 180 डिग्री घुमा देते हैं बेटा, उल्टा करो अपोजिट, ओके। 180 डिग्री घुमाया तो ये देखना बच्चों, ये देखो घुमा दिया बेटा, पकड़ो और 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री ना, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये वाला पार्ट नीचे आ गया, 180 डिग्री घुमा दिया लगभग, ठीक है। ये देखिएगा, अब हम अगर बात करते हैं बेटा यहां पर, समझो घूमेगा कैसे, सुनना ध्यान से बेटा, घूमेगा ये, घूमेगा भी उल्टा बेटा, ये देखना, सब कुछ उल्टा करना है, सब कुछ उल्टा कर दो, ठीक है, सब 180 डिग्री घुमा दो, ठीक है। तो ये देखो आपने घुमा दिया बेटा, घुमा दिया, पानी अभी भी कहां है, पानी अभी भी, देखना कितना बढ़िया किस्सा सुनाऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया किस्सा सुनाऊंगा, पानी अभी भी यहां है बेटा, यहां, ठीक है, बस ब्लेड घुमाया है, ब्लेड, तो ब्लेड का इन आउट बन गया, आउट इन बन गया है ना। ये देखो अब इस पर बनाते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल बेटा, ये ट्राइंगल क्या होगा, जब इसको उल्टा घुमा दोगे तो ये ट्राइंगल उठ के यहां जाएगा, यहां, और ये वाला ट्राइंगल उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर। मगर ऐसे ही क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, पहले ये डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद एक सबसे बढ़िया पॉइंट जो आपको सबसे शानदार पॉइंट लगेगा पंप में वो सिखाऊंगा। देख ये देखना बेटा, ठीक है, ये हो गया आपका VR1, ये हो गया बेटा आपका U1, बेटा ब्लेड इधर जाएगा ना, इधर जाएगा पानी, कहां जाएगा, ब्लेड इधर जाएगा इधर, ठीक है। तो ये U1 इस साइड हो गया, देखो U1 इधर था, U1 इधर हो गया बेटा, ठीक है। और देखना ध्यान से, ये आ गया क्या आपका, ये आ गया बेटा आपका V1, एंड यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज व्हाट, 90 डिग्री उल्टा हो गया बेटा। भाई ऑब्वियस है, जब ये घूम के यहां आ जाएगा तो इनलेट पे अल्फा बोलते हैं, आउटलेट पे बीटा बोलते हैं बेटा। तो इनलेट पे क्या हुआ, इनलेट पे जो जहां पर बीटा 90 का घूम के क्या हुआ बेटा, अब उसी को हम अल्फा 90 बोल रहे हैं, घुमा दिया इनलेट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां देखना ध्यान से, ये बता, ये देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, पानी अगर यहां पर है, पानी अगर यहां पर है और ये ब्लेड ऐसे घूम रहा है, तो ये बताओ ये जो पॉइंट है, सब लोग आंसर करना बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ब्लेड का उधर जा रहा है या इधर जा रहा है, पहले ये बताओ। पानी अगर यहां टकराएगा बेटा, सुनना ध्यान से, पानी अगर यहां टकराएगा, और एक चीज सुन लो ध्यान, ये मैं और बता दूं, ब्लेड जिस स्पीड से घूम रहा होगा पानी उससे ज्यादा स्पीड से नहीं घूम सकता, समझ में आती है बात, ठीक है। देखना क्या बता रहा हूं, उसकी वर्ल्ड वेलोसिटी की बात कर रहा हूं बेटा। ये बताओ ये जो पॉइंट है ब्लेड का, ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा बेटा, बस इतना बताओ फटाफट, लेफ्ट जाएगा, बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग कमलेश, नीलू, जॉनी, प्रभाकर, दीपांशु, राहुल, ना गुड मॉर्निंग बच्चों, बेटा बिल्कुल सही, ध्यान से सुनो, जॉनी सही बोल रहे हो बेटा। जब ये एरो इधर बनाया है, तो ऑब्वियस है बेटा, ऐसे समझना। अच्छा एक पॉइंट और लिख देता हूँ, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट और लिख देता हूँ बेटा। अपोजिट, किसी को याद है मेन जो फ्रांसिस मैंने पढ़ाया था, वो इनवर्ट फ्लो था या आउटवर्ट फ्लो था, लेफ्ट जाएगा बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेफ्ट जाएगा, बिल्कुल सही। मुझे ये बताओ जो हमारा फ्रांसिस मैंने पढ़ाया था वो इनवर्ट फ्लो था या आउटवर्ट फ्लो था, मेन जो पढ़ाया था कि भाई मैंने बोला भाई ये होता है। गुड मॉर्निंग राजेश बेटा, बोलो बेटा याद है मैंने क्या सिखाया था, पानी अंदर आया फिर ऐसे आया और शेफ्ट पे नीचे, ना इनवर्ट था बेटा। तो ये क्या होगा बेटा, ये सीपी, सो देयरफॉर क्योंकि ये अपोजिट है बेटा, सो सीपी इज व्हाट, सीपी इज आउटवर्ड फ्लो प्रोसेस, सीपी का कैसा होगा बेटा, सीपी का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड फ्लो होगा, ठीक है। इसका मतलब समझो, ये इनलेट बेटा सुनो ध्यान से, ये कम रेडियस है, ये कम रेडियस है बेटा, इसका मतलब कोई बता सकता है कि शेफ्ट कहां पर है बेटा,
कोई ये बता सकता है शेफ्ट यहां बनाऊं यहां आउटलेट पे बनाऊं या इनलेट पे बनाऊं? जल्दी बताओ शेफ्ट कहां पर बनाऊं बेटा? शाफ्ट, शाफ्ट बोलो कहां बनाऊं? इनलेट पर बनाऊं या आउटलेट पे बनाऊं? फटाफट बताओ, रमा दूंगा बेटा, इतना बढ़िया सिखाने वाला हूं आज। बिल्कुल बेटा, कहां बनेगा? इनलेट पर, क्योंकि कहां जाएगा? ज्यादा बड़ी रेडियस पे जाएगा। आउटवर्ड है तो जब जाते वक्त जाएगा बेटा तो कहां जाएगा? पानी बाहर जाएगा ज्यादा बड़ी रेडियस में। बिल्कुल, तो इसका मतलब शेफ्ट कहां पर बेटा? ये देखो, एक शेफ्ट भी दिखा देता हूं, ऐसे ही एज्यूम करना, ये बना रहा हूं, बना नहीं रहा, बस देखो ऐसे एज्यूम करो ये बना दिया शेफ्ट, ठीक है? तो इसका मतलब ये बताओ, शेफ्ट ऐसे घूम रहा है और ये ब्लेड भी ऐसे घूम रहा है बेटा, तो सोच के बताओ कि यहां पर ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट कहां जाएगा? अगर आप सोच ऐसे सर, और ये भी बताओ बेटा कैसे ये पॉइंट कैसे निकल के आएगा? देखो, ये आपका एक्चुअल में अगर आप ब्लेड पे बैठो बेटा, अगर आप ब्लेड पे बैठो बेटा, ये देखना, आपको दिखाता हूं, एक डायग्राम दिखाता हूं, बहुत बढ़िया। ये हो गया V2। अगर ग्राउंड पे बैठे हुए बंदे की बात करें बेटा, ग्राउंड पे बैठे हुए बंदे की बात करें और ये ब्लेड ऐसे घूम रहा है, तो क्या होगा बेटा? आपको इधर जाता दिखाई देगा पानी, सोच के देख लो, पानी आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ऑर नॉट? मगर आपको एक चीज और बढ़िया बताता हूं, ये भी सुनो, कभी भी अगर मेरे पास 100 जूल एनर्जी है और मैं किसी को भी धक्का मारूं, तो मैं उसे 101 जूल एनर्जी नहीं दे सकता बेटा। मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, मैं किसी को धक्का मारूं तो मैं उसे 101 जूल एनर्जी नहीं दे सकता। क्या दे पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा? मैं उसे दे पाऊंगा कितना, मान के चलिए 99, भाई कुछ परसेंटेज लॉस तो होगा ना, तो ऐसे ही समझो। ये बताओ, पानी तेज घूम रहा होगा या ब्लेड? पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी या ब्लेड की वेलोसिटी? कौन किसको पावर दे रहा है पहले ये बताओ, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन किसको पावर दे रहा है? टर्बाइन में तो बेटा पानी आता था, ब्लेड को घुमाता था, इसमें ब्लेड घूम रहा है इसलिए वो पानी को क्या करेगा, टैंक पे फेंकेगा, ऊपर टैंक पे फेंकेगा। तो पावर दे कौन रहा है बेटा? ब्लेड दे रहा है। किसे दे रहा है? पानी को, पानी को फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियस है बेटा, कौन फास्ट होगा बेटा? फास्ट कौन होगा? ब्लेड होगा। अगर ब्लेड, सोच के देखिए, अगर ब्लेड फास्ट होगा, सोच के देखो, अगर ब्लेड फास्ट होगा तो समझना, इसका मतलब ये होगा कि यहां से जब वाटर छूटेगा ना बेटा, सुनो, वाटर जस्ट कॉन्टेक्ट छोड़ के गया, वाटर जस्ट कॉन्टेक्ट छोड़ के गया बेटा, कॉन्टेक्ट छोड़ के गया, आपका ब्लेड तेजी से निकल रहा होगा और पानी एक्चुअल में धीरे निकल रहा होगा। तो अगर मैं आपको, सुनिए, अगर मैं आपको यहां पर बिठा दूं बेटा, अगर मैं आपको यहां पर बिठा दूं, इस जगह पर ब्लेड के ऊपर बिठा दूं, ग्राउंड पे बैठे हो तो आपको डेफिनेटली पानी ऐसे ही जाता दिखाई देगा, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं आपको ग्राउंड पे, इस पे ब्लेड पे बिठा दूं, कोई बताएगा ब्लेड पे अगर बिठा दूं, और आप बोल रहे हैं कि सर ब्लेड तो तेज चल रहा होगा और पानी धीरे चल रहा होगा, क्योंकि ब्लेड पानी को पावर दे रहा है, कोई बता सकता है कि आपको नहीं लगता कि आपको बेटा, जब आप ब्लेड पे बैठे हैं बेटा ब्लेड पर, तो आपको पानी उधर जाता दिखाई देगा, क्योंकि आप तेज चल रहे हैं बेटा, आप ब्लेड पे बैठे, आप तेज चल रहे हैं और पानी जस्ट यहां से कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, पानी धीरे बाहर आएगा बेटा, आप बहुत तेजी से घूम रहे होंगे। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल बेटा, ब्लेड टू वाटर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बात समझ में आई या नहीं? ग्राउंड पे बैठे हो तो पानी उधर जाता दिखाई देगा, पर ब्लेड पे बैठे हो और ब्लेड तेजी से घूम रहा है, तो जैसे ही जो पानी ब्लेड का कॉन्टेक्ट छोड़ के यहां आएगा, वो धीरे से निकल रहा होगा, कहीं भी जा रहा है धीरे से जा रहा होगा, और आप तेजी से इधर जा रहे हो, तो पानी पीछे छूट जाएगा या नहीं छूट जाएगा? पानी पीछे छूट जाएगा ना बेटा, तो बिल्कुल वही बात बोल रहा हूं, बिल्कुल वही चीज सिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या आएगा बेटा? VR2। भाई VR2 कौन सी वेलोसिटी सिखाई थी? मैंने सिखाया था जो बंदा ब्लेड पे बैठा है उसे पानी की वेलोसिटी VR2 दिखाई देगी बेटा, ठीक है? फिर से बता देता हूं, चलो राजकुमार एक बार फिर सुन लो, सीधी सी बात है, ब्लेड जो है वो पानी को पावर दे रहा है, तो ब्लेड अगर पानी को पावर दे रहा होगा तो ब्लेड की स्पीड ज्यादा होगी, पानी की स्पीड कम होगी, ठीक है? मान के चलो पानी की एक बूंद यहां पर बेटा ब्लेड का कॉन्टेक्ट छोड़ के यहां आई है, यहां, तो उसकी जो स्पीड होगी, एक्चुअल में पानी इधर ही जा रहा है, मगर आप बैठे हैं ब्लेड पर बेटा, और पानी ने यहां से बेटा कॉन्टेक्ट छोड़ा, आप ब्लेड पे बैठे हैं, ऑब्वियस है ब्लेड पानी से तेज घूम रहा होगा, तभी तो ब्लेड पे जाके स्ट्राइक कर रहा होगा, समझे? तो ब्लेड की वेलोसिटी ज्यादा है और पानी की वेलोसिटी क्या है बेटा, कम है। तो खुद ही बताओ, जो पानी यहां से छोड़ के एक्चुअल में पानी इधर ही जा रहा है, मगर आप ब्लेड पे बैठे हैं और आप पानी से भी ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो बस मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको किधर जाता दिखाई देगा पानी? इधर नहीं बेटा, एक्चुअल में पानी इधर जाएगा, पर ब्लेड पे बैठने पे आपको पानी इधर जाता दिखाई देगा। हो गया काम बेटा, कितना बढ़िया तरीके से समझा दिया, ठीक है? देखो जरा मजेदार चीज, ये बताओ, सुनो भाई,
ये देखो बेटा, ये पूरा बड़ा सा क्या बना, ये पूरा बड़ा सा क्या बना बेटा, V2 और VR2 के बीच का क्या होता है बेटा, V2 VR2 के बीच का रिजल्टेंट देखो ना, V1 एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच का कंपोनेंट क्या होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच का कंपोनेंट क्या होता है ना, U होता है बेटा, U। तो क्या हो जाएगा ये क्या बना बेटा, ये बना हमारा, ये पूरा जो बना बेटा ये बना U2। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ये बना U2 पूरा बेटा, पूरा U2 है, ठीक है। मगर इसमें काम कर लेते हैं, इसमें काम क्या करेंगे बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ फटाफट से VW1 कितना है, जल्दी बोलो बेटा VW1 कितना है, VW1 भाई, VW1 क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड मोशन। क्या आ रहा है बताओ V1 का कंपोनेंट बेटा, बिल्कुल सही है बच्चों, U2 है ये, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ते जाओ बेटा, एक नंबर पे मतलब सबसे बढ़िया पढ़ाऊंगा ये, और बता रहा हूं सबसे बढ़िया, ठीक है। हाँ बेटा, क्या हो जाएगा ये जीरो जीरो, ठीक है, ये हो गया VW1 जीरो बेटा। तो ये देखो बेटा, यहां देखना, यहां से मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल, ये क्या बनाया वर्टिकल। अब सुनना ध्यान से, ये कैरो बन गया, डोंट यू थिंक कि बेटा, सुनो ध्यान से, फ्लो की डायरेक्शन से था, ध्यान से समझना, बड़ा बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं। ये देखो बेटा, ब्लेड इधर जा रहा है इधर, तो ब्लेड की डायरेक्शन ये है, ब्लेड की डायरेक्शन क्या है ये, ना कि उधर है बेटा, ब्लेड की डायरेक्शन क्या है ये है बेटा, ठीक है। और हमेशा एंगल जो मेजर किया जाता है, सुनना जरा ध्यान से, जो आप एंगल मेजर कर रहे होते हैं बेटा, एंगल, ठीक है, वो एंगल आप कहां से मेजर करते हैं, ब्लेड की डायरेक्शन से मेजर करते हैं बेटा, ब्लेड की डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये देखना जरा ध्यान से, यहां पर मैं कुछ आपको एंगल बना के देता हूं, जैसे ये देखो बेटा, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया VF, VF2 बेटा, ये क्या बन गया बेटा मेरा VF2, VF2 बेटा, ठीक है। और ये देखना बेटा, कोई ये बता ये क्या बना है, ये क्या बना है बेटा, ये क्या बन गया VW2, VW2 बेटा, ये क्या बन गया VW2, क्लियर है। अब जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, कोई मुझे यहां पर ये बता सकता है कि फाई, सुनना ध्यान से बेटा, फाई फाई 90 डिग्री से बड़ा है या 90 डिग्री से छोटा है, मुझे बस फाई फाई याद है बेटा, फाई क्या होता है, बिल्कुल बेटा VW2 है, सबसे बेहतरीन पॉइंट है बेटा ये, मतलब बुक्स में होता ही नहीं वरना बच्चों को कोई पढ़ाता, मैं बस ये पूछ रहा हूं कि यहां पर फाई ढूंढ के बताओ, ये बस इतना बता दो, फाई ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, फाई फाई देखो बेटा, फाई कौन सा एंगल हुआ करता था, मुझे बस ये जानना है, ग्रेटर देन, विनय ने आंसर दिया सर ग्रेटर देन 90 डिग्री, राजकुमार ने बोला कि हां सर 90 से बड़ा है ना, क्लियर बेटा, ऑब्ट्यूज, राहुल का आंसर आया एक्यूट, यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन में अलग अलग आंसर कैसे आ गए आपके, मुझे तो बस ये जानना है बेटा, जरा सोच के बताओ। हाँ अब सुनना ध्यान से, मोर ऑब्ट्यूज सही है, बहुत बढ़िया, एक्यूट है बेटा एक्यूट, दिखाता हूं कैसे, ये बताओ पहले तो फाई देखना बेटा, फाई होता क्या है, फाई होता है ब्लेड की डायरेक्शन, ब्लेड की डायरेक्शन सुनो बेटा, ब्लेड की डायरेक्शन और रिलेटिव वेलोसिटी के बीच का एंगल, ओके डन। मुझे ये बताओ, दो एंगल बना रहा हूं फाई वन और ये बना रहा हूं फाई टू, बस इतना बता दो, इतना बता दो कि इसमें से एग्जिट पे मेन एंगल कौन सा है, बस इतना ही बता दो, बहुत है इतना, समझाओ समझाओ बेटा फटाफट बताओ, फाई वन है या फाई टू है भाई, ब्लेड के ब्लेड की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उससे एंगल बनना चाहिए, फाई वन और फाई टू, मुझे बस ये जानना है फाई वन है या फाई टू है, बस इतना बता दो। नीरज ने बोला फाई वन, वैमसी ने बोला फाई वन, है ना, राकेश ने भी वन बोला, तो ये ऑप्ट्यूज कहां से हो गया, मुझे तो कहीं से भी ऑप्ट्यूज नहीं लगता ये, मुझे तो ये कहीं से भी ऑप्ट्यूज नहीं लगता, बताओ भाई, अभी जो ऊपर ऑप्ट्यूज ऑप्ट्यूज बोल रहे थे आप लोग, मैं बस यही पूछ रहा हूं बेटा, अगर ये आपको ऑप्ट्यूज लग रहा है, अगर आपको ये ऑप्ट्यूज लग रहा है, कहां से ऑप्ट्यूज हो जाएगा, आप एक तो फाइव वन बोल रहे हैं बेटा, सुनो ध्यान से, ब्लेड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना कि उधर, ठीक है, अगर ब्लेड उधर जा रहा होता, ब्लेड की मोशन डायरेक्शन उधर होती और ये VR2 होता तो ये फाई बड़ा होता, ये होता फाई, मगर अभी फाई कौन सा है बेटा,
बिल्कुल सही बोल रहे हो, 5-1 सा है, 5-1 है बेटा, 5-1 है, 5-1। और हमेशा फिजिक्स पढ़ने के लिए, ये क्या है बेटा, फिजिक्स ही तो है, हमेशा फिजिक्स पढ़ने के लिए हमेशा याद रखो बेटा कि हमारा कॉमन सेंस काम आता है, कॉमन सेंस, हमेशा पहले कॉमन सेंस से चीज सीखो, तब जाके उस पर फिजिक्स लगाओ, तब जाके उस पर मैथमेटिक्स लगाओ, ठीक है। तो मुझे पहले ये बताओ, क्या आपको ये समझ में आया, ये पहले क्लियर हुआ या नहीं कि हाँ सर हमें तो लगता है कि अगर ब्लेड ऐसे घूम रहा है तो अगर जमीन पे बंदा बैठा है ना, स्टेशनरी ग्राउंड पे बैठा है, तो पक्का ये ब्लेड पानी को इधर फेंक रहा होगा, मगर जो बंदा ब्लेड पे बैठा है उसे पानी इधर जाते हुए दिखाई देगा, दोनों का रिजल्टेंट U2 आएगा। हमारा फाई क्या आएगा, वेन एंगल बेटा, वेन एंगल एग्जिट, ये गाइड ब्लेड होते हैं बेटा, जो V1 V2 बनाते हैं वो क्या होते हैं, गाइड ब्लेड एंगल होते हैं, है ना, ब्लेड एंगल, और ये ब्लेड एंगल होते हैं, मैंने सिखाया है ये, इनमें V1 और V2 जो एंगल बनाते हैं U से, उनमें गाइड वर्ड यूज होता है, गाइड ब्लेड एंगल, गाइड वेन एंगल, और जो रिलेटिव वेलोसिटी बनाती है वो क्या होता है बेटा, वेन एंगल, ब्लेड एंगल, उसमें गाइड नहीं लगता, ठीक है। तो मुझे बस ये बता दो बच्चे फटाफट से कि क्या आपको ये डायग्राम पूरा समझ में आया है, V2 VR2, आप इसे कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि हाँ भाई यही डायग्राम बनेगा, मैं बस ये पूछ रहा हूं, तो क्या कॉमन सेंस से ये सोच पा रहे हो कि यही डायग्राम बनेगा, पहले आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए, हाँ सर हम तो समझ पाए कि हाँ यही बनेगा सर, बिल्कुल सही बात है ना, देखो जरा ध्यान से अगर बेटा, और रिप्लाई किया करो, रिप्लाई करो कि हाँ भाई हाँ सर बस ना, हालांकि आप रिप्लाई करते हो पर मेरे को ये भी जानना जरूरी है कि हाँ सर हम सोच पाए, मैथमेटिक्स और सब फिजिक्स अलग है, हाँ सर ये तो होगा ही होगा, ये तो इतना तो फिजिक्स हमें थोड़ी बहुत तो आती है, ठीक है, बिल्कुल सर, है ना, देखना बेटा। अब मैं क्या करता हूं, और ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया, सुनो ध्यान से, ये बन गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल ब्लेड, सेंट्रीफ्यूगल पंप बन गया, ये मेजर सेंट्रीफ्यूगल पंप है बेटा, ज्यादातर जो ब्लेड होता है वो ऐसे होता है। अब सुनना ध्यान से, एक पॉइंट और बताता हूं बेटा, है ना, है ना सर, VR1 और U1 के, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, हाँ VR1, अच्छा VR1 और U1 के बीच का एंगल लो, लिख लो बेटा, ये लो लिख लो थीटा, आपको लिखना है ना थीटा, ये वाला थीटा लोगे क्या, हाँ भाई ये वाला थीटा लोगे क्या, देखो अगर VR1 और U1 में रिलेशन निकालना है तो ठीक है यही थीटा होगा, मगर आपको बेसिकली बता दो बेटा थीटा कितना आएगा, आपको ये भी बता देता हूं, U1 की डायरेक्शन ये है, ये तो आप VR1 से U1 की डायरेक्शन की साइड आएंगे यहां, ठीक है। तो आपको बताता हूं एक्चुअल में थीटा यही होता है, एक्चुअल में अभी जो मैं दिखा रहा हूं थीटा ये होता है, मगर लोग क्या करते हैं ये थीटा ले लेते हैं बेटा, इसको थीटा ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, पता है क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि हम लोग पता है डायरेक्शन पे बात करके हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे होते हैं, तो अगर चाहे आप कॉस थीटा लगाओ या कॉस पाई माइनस थीटा लगाओ, कॉस थीटा लगाओ या कॉस पाई माइनस थीटा लगाओ, साइन थीटा लगाओ या साइन पाई माइनस थीटा लगाओ, समझे क्या होगा बेटा, माइनस साइन का चेंज आएगा मगर मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मगर मैं आपको बता दूं सही तरीका क्या होता है एंगल को मेजर करने का, हमेशा V1 और VR1 से कहां जाना है, यू की डायरेक्शन की साइड जाना है, यू क्लियर, तो यू की डायरेक्शन इधर नहीं है बेटा, इधर है, तो एक्चुअल में जो थीटा वैल्यू होगी वो ये होगी, मगर लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसे थीटा ले लेते हैं, क्योंकि पाई माइनस थीटा पे वैल्यू चेंज नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा साइन क्या हो जाएगा, साइन लगाओगे तो पाई माइनस थीटा प्लस ही रहेगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, कॉस लगाओगे पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यू शुड नो दैट व्हाट इज द करेक्ट वे टू मेजर द एंगल्स, ओके, देखना जरा ध्यान से, हाँ बेटा बिल्कुल सही। अब देखो जरा, अब बात आती है कि सर ये ब्लेड बनाया, ये देखो भाई आज तो मैं बेटा पूरा दिमाग खोल दूंगा तुम्हारा, इतने इतने मन से मैं, क्योंकि मुझे बड़ा बढ़िया लगता है ये सारे पॉइंट डिस्कस करना जो बच्चे कभी बुक से सीख ही नहीं सकते, ठीक है, देखना जरा, ये मेरा हाथ है, ये पानी है बेटा, यहां पर पानी है, मैं चाहूं तो पानी को कैसे, ये देखो मैं चाहूं तो पानी को कैसे उठा सकता हूं, ऐसे, देखना बेटा हाथ की शेप देखना, गड्ढा गड्ढा बेटा गड्ढा, ठीक है, ये देखो कैविटी अंदर है ना, मैं चाहूं तो मुझे ऊपर पानी फेंकना है, मेरा ब्लेड आया, ये देखो मेरा ब्लेड आया बेटा, और मैंने क्या किया ऐसे पानी को ऊपर फेंक दिया, चला गया ना पानी, ये देखो ऐसे पानी को ऊपर फेंक दिया, देखना बेटा फिर से आराम से देखा, ठीक है ऐसे फेंक दिया, डन। अच्छा ये देखो बेटा, अब दूसरा केस देखना, दूसरा मुझे नहीं लगता ये केस है, क्योंकि पानी यहां नहीं था, पानी को फेंकते वक्त बेटा पानी यहां नहीं था, इस कैविटी में नहीं था, दूसरा केस देखो, हाथ घुमा दिया, ठीक है
अभी भी पानी है यहाँ, अभी भी पानी है बेटा, ठीक है। और सुनो ध्यान से, क्या हुआ बेटा, अब मैंने पानी को ऐसे फेंका, कैसे ऐसे फेंका बेटा, ऐसे, ठीक है। मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, जनरली देखो तो आप अपने हाथ को ही मूव करके देखोगे ना बेटा, ऐसे आपको ज्यादा ट्विस्ट लगेगा, मगर ऐसे बड़े आराम से चल रहा हुआ, ऐसे आराम से, है ना, ठीक है। तो देख रहे ध्यान से, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बेटा। ये जो सफेद पार्ट है ना सफेद तो है, दोनों साइड से काला ही है मेरा हाथ तो, ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, है ना। ये देखो, यहां से देखो बेटा, यहां से देखोगे तो क्या होगा, इसे फॉरवर्ड बोलो, इसे क्या बोलो, फॉरवर्ड साइड, फॉरवर्ड। ऑब्वियस है, अगर मैं वैसे ही बोलता तो मैं आपसे बोलता अपने हाथ का बैक साइड दिखाना, तो आप ये थोड़ी दिखाते, आप तो यही दिखाते ना, आपके हाथ से बोलता जरा अपने हाथ का फ्रंट साइड दिखाना, तो आप ये दिखाते, ये फ्रंट है, ये फॉरवर्ड है बेटा, फॉरवर्ड, और ये क्या है, बैकवर्ड, ये क्या है बेटा, बैकवर्ड। मुझे फटाफट बताओ, इस टाइम जो हम पानी फेंक रहे हैं वो बैकवर्ड साइड से फेंक रहे हैं या फॉरवर्ड साइड से फेंक रहे हैं, बैकवर्ड से फेंक रहे हैं फॉरवर्ड, पहले ये बताओ, ये वेन कैसा है, वेन, इसे बैकवर्ड बोलेंगे, बैकवर्ड वेन बोलेंगे या फॉरवर्ड वेन बोलेंगे, जल्दी बोलो, मजा आएगा बेटा, तो मैं मतलब प्रैक्टिकल सिखाऊंगा सारी चीजें। यस, दिस इज बैकवर्ड, क्योंकि पानी ऊपर से यहां से टकरा रहा है बेटा, यहां से देखो यहां पानी, ठीक है। तो एक जगह एक लाइन लिख दो, जनरली वी प्रिफर बैकवर्ड कर्व्ड वेन, जनरली वी प्रिफर दिस। अभी बताता हूं बेटा क्यों इसे करते हैं, क्यों इसे नहीं करते, डेरिवेशन भी करा सकता हूं और डिफरेंशिएशन से प्रूव भी कर सकता हूं, सारा काम करके दूंगा, मगर पहले तो ये समझो, पहले तो मैं तुम्हें कॉमन सेंस सिखाता हूं बेटा, ये देखो मैं कॉमन सेंस ही सिखा दूंगा कि ऐसा ऐसा क्यों यूज करते हैं, ठीक है, देखना। So let me delete this part. I think you are clear. ये Francis था बेटा, Francis turbine था। हमने उल्टा किया बेटा, उल्टा किया, आपको पूरा डायग्राम समझ में आया, हाँ सर ये तो ऐसे ही बनेगा। अब एक डायग्राम आप बना के देंगे, एक डायग्राम आप बना के देंगे, ठीक है बेटा, देखो जरा, देखो बेटा आउटवर्ड है और रेडियल लगा दिया बेटा, रेडियल टर्बाइन का, रेडियल टर्बाइन को रेडियल बोलने का मतलब क्या होता है कि एग्जिट पे उसका जो बीटा होगा वो 90 होगा, तो जब आपने इसे घुमाया 180 डिग्री तो वही बीटा उठ के क्या बन गया बेटा, इनलेट पे आ गया तो अल्फा 90 हो गया, है ना। तो हमेशा दो चीजें नोट कर लो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का अल्फा 90 रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप का अल्फा 90 रहेगा, और ज्यादातर बेटा हम हमेशा कर्व्ड साइड से, हम हमेशा ये ब्लैक साइड जो ज्यादा ब्लैक है ना, हम हमेशा इसी साइड से क्या करूंगा, मैं पानी को ऊपर फेंकूंगा। आप कहेंगे सर ऐसा लग रहा है जैसे यहां से ज्यादा इजी था, फीलिंग ऐसी आ रही होगी कि यहां से ज्यादा इजी था, इस वाले फॉरवर्ड साइड से ज्यादा इजी था, ठीक है। बताता हूं बेटा इजी नहीं था, बल्कि होगा क्या, हमेशा जब भी बेटा पढ़ो पहले अपना कॉमन सेंस यूज करो कि ऐसा क्या हो रहा होगा, सोचो जरा उसके बारे में। ये देखिए, अब मैं आपको इस साइड से पानी फेंक के दिखाता हूं, इस साइड से देखना, वही ब्लेड है बेटा, बस थोड़ा क्या किया है, सुनो ध्यान से, इस बार ऐसे भी घुमाया बच्चों, अगर ऐसे घुमाऊंगा तो फिर फ्रांसिस बन जाएगा, ये क्या बनेगा बेटा, अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ऐसे फ्रांसिस बन जाएगा, मैंने ऐसे नहीं घुमाया, मैं क्या कर रहा हूं, बस सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, ये देखना बेटा, हाँ ये देखो, ये ऐसे है ना, ये देखो यहां दिख रहा है, कॉलिंग दिख रहा है बेटा, ये कॉलिंग दिखा हुआ है ना, तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं, जब अगर ये फ्रांसिस था, सुनो अगर ये फ्रांसिस था तो ये बन गई सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब मैं बस इसे ऐसे घुमा रहा हूं बेटा, कैसे, ऐसे, मैं पूरा ऐसे नहीं घुमा रहा, कैसे घुमा रहा हूं, ऐसे। आई थिंक यू आर क्लियर, ठीक है, बिल्कुल मिरर इमेज बोल दो, तो ये क्या होगा बेटा, इसको घुमाओ ऐसे कर दो, हो गया, तो ये आ गया बेटा, देखिए ये आ गया, देखो अब इस पर डायग्राम बनाते हैं बेटा, फटाफट से डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे, ये देखना बेटा, क्या हो जाएगा, VR1 इनलेट है बेटा, ये VR1 V1, और सुनो बेटा घुमाना ऐसे भाई, जब आपको यहां से पानी फेंकना है तो सुनो ध्यान से, पानी यहीं पे रहेगा, पानी क्या है यहां से जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो यहां पर बेटा V1 हो गया, और क्योंकि इधर जा रहा है तो ये क्या हो गया बेटा U1, ये क्या हो गया U1,
तो आप ध्यान से देखिए डायग्राम लगभग वही बना है बेटा, डायग्राम क्या बनाया है लगभग वही बनाया है, ठीक है। आगे देखो जरा ध्यान से, और यहाँ पर बीटी फिर से देखना, अल्फा फिर भी क्या है बेटा, अल्फा 90 डिग्री है, अल्फा क्या है बेटा 90 डिग्री ही है, ओके। अब यहां आ जाते हैं, पहले तो ये बताओ सोच के बताना बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक और तरीका क्या सिखाया था, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का एक तरीका और क्या सिखाया था बेटा, कैसे निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ब्लेड से, कैसे निकाल सकते हो ब्लेड से ये बताओ पहले, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ब्लेड से कैसे निकाल सकते हो, टेंजेंशियल बेटा क्या करो ब्लेड के सरफेस पे टेंजेंट डाल दो क्या आ जाएगा, ये देखना, ये देखो बेटा ये क्या हो गया V2, ध्यान से देखना बेटा V2 बेटा ये तो क्या आएगा टेंजेंट बनाइए ना आपने VR2 बेटा VR2। आगे ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा छोटी होगी बेटा, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास V2, और ये देखो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया बेटा हमारे पास U, ये आ गया हमारे पास U2, ठीक है भाई ऐसे ही आएगा ना, पानी तो इधर जाते दिखाई देगा, VR2 इधर हो जाएगा U2। अच्छा मुझे आप ये बताओ आपका ब्लेड जितनी ज्यादा स्पीड से, ये देखो एक तो ये है बेटा समझ लो, आपको दिखाता हूं जरा प्रैक्टिकली डायग्राम में देखना, ये देखना एक तो ये है, देखना स्पीड, देखना मेरे हाथ की स्पीड, ये देखो बेटा मेरी स्पीड बेटा ऐसे, ठीक है, ये इनलेट है ये आउटलेट है, बेटा पानी ऐसे आएगा ऐसे फ्लो करके बाहर टैंक में चला जाएगा, एक ऐसे है बेटा ये देखो एक ऐसे है, ठीक है, और ये देखो दूसरी स्पीड तेज तेज, ठीक है। मुझे बताओ दोनों डायग्राम्स में से U2 किसमें बड़ा दिख रहा है, किसमें बेटा U2 बड़ा दिख रहा है आपको, और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि क्यों हम उसे प्रेफर करते हैं, पर आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख देना यहां पर बैकवर्ड कर्व वेन ऑफ CT सेंट्रिफ्यूगल एंड दिस इज व्हाट फॉरवर्ड कर्व्ड वेन। ऑब्वियस है आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा कि किसमें आपको ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है U2 बेटा, U2 आपको उसमें ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और समझना U2 के बड़े होने का मतलब यह है कि वो पानी पे बहुत तेजी से टकराएगा बेटा, पानी पे क्या करेगा तेजी से टकराएगा, तेजी से समझ में आता है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर देगा, समझना बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, किसमें इसको फर्स्ट, अब पता नहीं फर्स्ट बोल रहे हो सेकंड किसे बोल रहे हो, मतलब ये हो गया राइट, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, समझ में आता है। अब सुनो ध्यान से बताता हूं कि ज्यादातर पंप्स अगर लाइट ऑपरेशन है बेटा, सुनो एक काम और लिख लो प्रूफ भी करके देता हूं, यहां पर लिख दो यूजफुल फॉर स्मॉल लोड्स, ठीक है, कम लोड होगा, मान के चलो बहुत ज्यादा पानी का फ्लो रेट नहीं चाहिए, धीरे धीरे मतलब कम पानी उठाना है, ठीक है। ये देखो बेटा यहां पर दिखाता हूं ये क्या है, दिस इज वेरी मतलब व्हाट वैलिड फॉर या यूजफुल फॉर ऑल लोड्स। तो आज तो मैं कुछ आपको अलग सिखाने वाला हूं, इसका एक डेरिवेशन आपको जरूर कराऊंगा कल बेटा, कल इसका डेरिवेशन कराऊंगा कि व्हाई दिस इज वी आर यूजिंग दिस, है ना, बट अभी आपको फिजिकली सिखा देता हूं बेटा, फिजिकल सेंस में भी है भाई, आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ सर दिमाग में तो गया ये क्या हो रहा है। देखो बेटा समझ, अगर आप ऐसे पानी फेंकें, ये देखिए अगर आप ऐसे पानी फेंकें बेटा, तो ये बताइए पानी आपके हाथ में भर रहा है या नहीं भर रहा है, पानी का वेट लगेगा या नहीं लगेगा, सोच के देखो बेटा, ये देखो यहां पानी है बेटा, यहां पानी है, और मैंने ब्लेड को ऐसे लेके आया ऐसे, बताओ ब्लेड जो है पानी भरेगा या नहीं भरेगा थोड़ा अमाउंट, मतलब समझो जरा ध्यान से, ऐसे आएगा तो पानी क्या होगा बेटा, यहां पर भरा हुआ दिखाई देगा, भरा हुआ, ठीक है, क्लियर है बेटा। अच्छा ऐसे देखो, ऐसे बताओ, सोच के बताओ पानी भरा हुआ है क्या, पानी भर सकता है क्या इसमें, इसमें पानी भर सकता है नहीं बेटा, बल्कि आपको दिखाता हूं और क्या होगा, कॉमन सेंस लगा के देखना, बल्कि क्या होगा, आउटवर्ड फ्लो है बेटा, आउटवर्ड फ्लो है, ये इनलेट है बेटा, ये आउटलेट है, बल्कि अगर ये ब्लेड ऐसे आएगा तो पानी से टकरा के बल्कि और स्लिप करेगा,
पानी से टकरा के और क्या करेगा बेटा, स्लिप करेगा बाहर की साइड स्लिप करेगा, समझे? तो सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि मुझे बहुत ज्यादा फ्लो रेट चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लो रेट मतलब बहुत तेजी से पानी को ऊपर फेंकना है, बेटा हमेशा यही काम आएगा अगर आपने ये, सुनिए आप लगा दीजिए ये वाली मोटर, आप फॉरवर्ड वेल लगा दीजिए और बहुत ज्यादा पानी उठा के देखिए, मोटर फूक जाएगी, फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी बेटा मोटर, समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने जो नो बोला है, जहां तक मैं समझ पाया नो आप इसलिए बोल रहे हैं कि सर ये जो बैकवर्ड है ना कर्व ब्लेड है, इसका डेरिवेशन कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। मैं अगर ये देखो बेटा, अगर इसकी बात करें तो इसमें पानी भर नहीं सकता, बल्कि क्या होगा, पानी इस साइड क्या करेगा बेटा, जैसे मैं टकराऊंगा ऐसे, तो पानी से टकरा के बाहर ऐसे भागेगा, आराम से भागेगा बेटा, आराम से। और सुनना बेटा, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या होगा, पानी भागना चाहता है बाहर, मगर क्या इस कोने से टकराएगा, ये जो गड्ढे में पानी है बेटा, सुनना, ये जो गड्ढे में पानी है, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये इसे आराम से नहीं, इसे बल्कि दिक्कत होगी, ये कोने में जाके टकराएगा बेटा, ये ऐसे जाएगा तो कोने में जाके क्या होगा बेटा, टकराएगा। सोच के देखो इस चीज को, सोच के देखो, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, जो मैं डेरिवेशन से कैसे प्रूफ करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, मगर डेरिवेशन भी किसी के दिमाग में आई होगी ना, क्यों आई बेटा, मैं तो वो बात कर रहा हूं, क्यों किसी के दिमाग में आया कि यार ये बढ़िया काम कर रहा है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें पानी यहां पर आया बेटा, यहां पर है बेटा, सोच के देखो, पानी को, पानी का स्मूथ पाथ है बेटा, मगर ये देखना पानी यहां आ रहा है, यहां यहां बेटा क्या होगा, आपको नहीं लगता जो पानी अभी इस डायरेक्शन में चल रहा है वो जब इधर मुड़ेगा, सोच के देखना जब वो इधर मुड़ेगा तो आपको नहीं लगता कि उसे ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा दिक्कत होगी, कॉमन सेंस, बिल्कुल बेटा है ना। थैंक यू सो मच, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि हाँ सर बात तो ठीक है। तो एक पॉइंट तो मैंने आपको सिखा दिया बेटा, यूजफुल। अच्छा एक पॉइंट और समझना बेटा, और समझो मैंने क्यों बोला ये हैवी लोड से क्या मतलब है, हैवी लोड, ठीक है। अब आपको दोनों के डायग्राम दिखाता हूं, दोनों के क्या दिखाता हूं बेटा, डायग्राम। सबसे पहले ये बताओ, और ये कल प्रूफ भी होगा, कल ये जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं ये प्रूफ भी करूंगा बेटा, है ना। आज का टारगेट कुछ और है, आज कुछ मजेदार और पढ़ाना है ना। देखो ये देखो, मान के चलो किसी ने बोला कि साहब यहां मान के चलो जिम है बेटा, किसी ने बोला एक काम करो आप 20 पाउंड का वेट उठा दो, मैं ठीक है लो उठा देते हैं भाई। ये देखो बेटा ध्यान से देखना, 20 पाउंड नहीं, पहले बात करते हैं 2 पाउंड की ना, 2 पाउंड का वेट उठाना है बेटा, देखना जरा ध्यान से, 2 पाउंड का वेट उठाया, ये देखो ये बेटा तान दिया ऊपर, ऊपर उठा के तान दिया 2 पाउंड का, है ना। बोला नहीं नहीं भाई अब एक काम करो 5 पाउंड उठाओ, 5 पाउंड, फिर बोला 20 पाउंड उठाओ। बेटा ये बताओ अगर कोई वजन उठाता, मतलब वजन बढ़ाता जा रहा है बेटा, सुनना ध्यान से, बोल रहा है कि वजन और ज्यादा वजन उठाओ, और ज्यादा वजन उठाओ, और ज्यादा वजन उठाओ, आप खुद बताना, अगर कोई मुझे बोले बेटा 20 पाउंड का या 40 पाउंड का वेट उठा दो, तो पता है क्या होगा, जैसे मैंने 2 पाउंड को उठा के बेटा ऐसे आराम से ऐसे ऊपर कर दिया था, अगर कोई बोलता है कि साहब 20 पाउंड का वेट उठा दो, तो सुनो ध्यान से मैं क्या कर पाऊंगा, मैं यहीं तक आ पाऊंगा, मैं कहां तक आ पाऊंगा, यहां तक, ऊपर नहीं उठा पाऊंगा बेटा, सोच के देखो मसल्स इतना लोड नहीं ले पाएंगे बेटा। अगला सुनो, बोला नहीं अब तो 40 पाउंड उठाना है बेटा, मैं नीचे से उठाऊंगा, ये देखो ऐसे नीचे समझो, नीचे से उठाऊंगा, बस यही तक उठा पाऊंगा, यहां तक भी नहीं ला पाऊंगा, ऊपर तो छोड़ो यहां तक भी नहीं ला पाऊंगा, एग्री और नॉट। अगर मेरे पे लोड बढ़ाया जाए, अगर मुझे वजन बोला जाए वजन ज्यादा उठाओ ज्यादा उठाओ, तो क्या मैं हर वजन को सेम हाइट तक उठा पाऊंगा, या फिर अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मसल्स में टियर ना हो जाए, मेनिस्कस टियर ना हो जाए मेरे सेल्स में, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब मुझे बोला जाएगा ज्यादा वजन उठाओ तो हाइट कम करनी चाहिए, ज्यादा वजन उठाओ तो हाइट कम करनी चाहिए, वजन अगर ज्यादा है बेटा तो हाइट क्या होनी चाहिए, हेड क्या होना चाहिए, कम, हेड क्या होना चाहिए, कम बेटा, समझ में आती है बात, ठीक है। तो ये देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिखा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिखा रहा हूं, है ना, ये देखिए, अगर बेटा वजन भी बढ़ाते और मुझसे बोले नहीं इसे और ऊपर उठाओ, पता चला बेटा स्पाइन में इंजरी हो जाएगी, समझे, ऐसे क्या होता है पंप की स्पाइन में इंजरी हो जाती है। तो ये जो इधर बनाया था, जो फॉरवर्ड ब्लेड बनाया था, इट इज ऑलवेज गुड फॉर व्हाट, इट इज ऑलवेज गुड फॉर लो ऑपरेशन, लो लोड ऑपरेशन। ये देखिए अभी कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, हालांकि एक काम करते हैं, क्यों ना ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, क्योंकि मैं ये चीज फ्रांसिस में पढ़ा चुका हूँ, एक्चुअली मैं आज इसलिए रिपीट नहीं करना चाहता, ये मैं फ्रांसिस में पढ़ा चुका हूँ बेटा, ठीक है। ये देखिए ये क्यू है बेटा, ये एच है, सपोज ये एच है, क्यू और एच, ठीक है बेटा, डन। अब जरा ये सोच के देखिए,
अगर हमारे पास ये देखो बेटा बहुत बढ़िया पॉइंट बताता हूं यहां पर, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए बना, बताओ ये आपको बढ़िया लगा या नहीं लगा? दो कर बना रहा हूं तो कैसे आए वो आएगा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व में भी आएगा, फ्रांसिस का यूज करोगे तो भी प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज ये मैं क्यों छोड़ रहा हूं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जैसे टर्बाइन में पढ़ाए थे ऐसे इसमें भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस समझा देता हूं, मुझे बस ये बताओ कि कौन सा कर्व आपको बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, जल्दी बताओ कौन सा आपको लग रहा है आंसर, ये ठीक है हमें तो बढ़िया लग रहा है, अपने मन से बताओ बेटा फर्स्ट या सेकेंड, ये डिस्चार्ज है या हाइट है, ये डिस्चार्ज है बेटा, मनी मशीन क्या देती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या देती है, डिस्चार्ज देती है बेटा डिस्चार्ज, और ये क्या बेटा हाइट, अपने मन से बताओ कौन सा आपको लग रहा है, सर ये थोड़ा सेफ लग रहा है या हमें सही लग रहा है, कौन सा, टू वाला है ना, टू वाला हमें बढ़िया लग रहा है, अरे टू वाले पे गए ना बेटा, सुनो ध्यान से, टू वाले पे गए तो स्पाइन इंजरी हो जाएगी, अगर टू वाले पे गए तो स्पाइन इंजरी हो जाएगी, बताता हूं क्यों, बोल रहे हो मोटर को बोल रहे हो और पानी उठा और पानी उठा, ये देखो ये जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है बेटा, क्यों बढ़ रहा है, मोटर को बोल रहे हो और पानी उठा है ना, और बोल रहे हो कि और ऊंचाई तक उठा बेटा, हाइट भी बढ़ती जा रही है, हाइट भी बढ़ती जा रही है ना, तो पहले क्या किया, पहले एक मोटर को आपने लगा रखा था, उसे बोलते थे कि तू 5 मीटर क्यूब पानी उठा पर मिनट, 5 मीटर क्यूब पानी उठा केवल 5 मीटर हाइट तक, अब उसी पंप को बोल रहे हो नहीं अब तू 5 मीटर क्यूब पर मिनट नहीं, अब तुझे 10 मीटर क्यूब पानी, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी उठाना है, पर मिनट पानी उठाना है, और 5 मीटर नहीं 10 मीटर तक उठाना है, फिर उसी पंप को बोल रहे हो फिर नहीं तेरे को 20 मीटर क्यूब पर मिनट पानी उठाना है और अब 50 मीटर तक उठाना है, अरे हाथ जोड़ जाएगी मोटर की, मेरे पे नहीं होता इतना काम, मैं जा रहा हूं, सोच के देखो बेटा, मतलब ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि चाहे वो मशीन है चाहे हमें, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने, तो सबका बिहेवियर एक जैसे ही होता है, सबका बिहेवियर एक जैसे ही होता है बेटा, हाथ जोड़ जाएगी मशीन, पंप बोलेगी मेरे पे नहीं होता ऐसे, ठीक है, अगर ज्यादा ज्यादा सुनो ध्यान से, अगर ज्यादा लोड उठवाना है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं हाइट भी बढ़ाऊंगी, पंप मना कर देगी बेटा, एग्रीड और नॉट, जरा सोच के देखो, ये देखो हाइट बढ़ रही है, हाइट मतलब कितनी ऊंचाई तक पानी उठाना है, अगर ऊंचाई बढ़ा दोगे तो यार उसमें तरस का हो भाई, उसका क्यू कम करो, अदरवाइज जान ले लोगे आप उसकी, मर जाएगी पंप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, पंप मर जाएगी बेटा, समझ में आई बात या नहीं, ठीक है, तो सुनो ध्यान से क्या हुआ ये देखना, और एक ये भी लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है, अब आपको बताता हूं, ये रहा बेटा बैकवर्ड, ये कौन सा है, बैकवर्ड वे, ये क्या है बेटा, फॉरवर्ड वे, फॉरवर्ड वे, अगर आप ध्यान से देखें तो फॉरवर्ड वे में बेटा यू टू छोटा है, फॉरवर्ड वे में यू टू छोटा है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल बी वर्किंग फॉर अ लार्ज लोड, तो छोटे मोटे लोड के लिए बात करें, इसका मतलब ये कर यही खत्म कर दो, यही बस इतना ही बनाओ इस कर को, ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाओगे यहां कहीं फेल हो जाएगी मशीन, फुक जाएगी बेटा मशीन, समझे, तो ये मैंने बना तो दिया यहां तक बना देते हैं, मगर बीच में कहीं फेल हो जाएगी मशीन, बस थोड़ा लोड और ऑपरेशन के लिए काम करेगी, ठीक है, तो बुक्स बना देती है तो बना देने दो, मगर इतना बता देता हूं ये कर्व जितना लंबा खींचा बनाया जा सकता है लेंथ में, उतना ये कर्व लंबा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो, ये हो गया फॉरवर्ड वेन, तो आप ध्यान से समझना बेटा हुआ क्या है, ये जो मैंने आपने डायग्राम बनाया होगा, एक फटाफट से आंसर देना और बड़े मजेदार आंसर चाहिए मुझे, मैंने जो अभी कौन सा प्लेट बनाया था बेटा, मैंने बनाया था फॉरवर्ड वाला, उसमें फाई की वैल्यू बताओ, फाई की वैल्यू कितनी आई है बेटा, ऑब्ट्यूज है, यू टू की डायरेक्शन निकालो, वी आर टू और यू टू के बीच का एंगल है बेटा, ये देखो ये जो मैंने फॉरवर्ड बनाया था बेटा, फॉरवर्ड मुझे फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, ये यू टू था बेटा, ये यू टू था, ये मेरा वी आर टू था, वी आर टू, और ये मेरा क्या था, वी टू, मुझे बस ये चाहिए कि जो मेरा वेन एंगल है बेटा फाई, वेन एंगल फाई, ठीक है, याद है ना फाई, जल्दी बताओ ऑप्टिज है या एक्यूट, ऑप्टिज, वेरी गुड बेटा, इस बार राजेश कैसे एक्यूट हो जाएगा बेटा, यू टू ये है बेटा, यू टू ये है, इधर थोड़ा ये देखना जरा ध्यान से, ये एंगल नहीं बनेगा, अरे ये थोड़ा ले लोगे बेटा, इधर थोड़ी जा रहा है यू टू, यू टू इधर जा रहा है बच्चे,
यू टू इधर जा रहा है तो वी आर टू के साथ ये एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज बनाएगा, समझे? तो ये देखो जरा ध्यान से, फाइ ग्रेटर देन 90, बैकवर्ड क्या है बेटा? बैकवर्ड ये है, जल्दी बताओ बैकवर्ड, फाइ दिख रहा है साफ साफ, क्या है बेटा? लेस देन 90, यहां पर क्या है बेटा, यहां लिख देते हैं फाइ क्या है बेटा, फाइ लेस देन 90, लेस देन 90. आई होप दैट यू आर क्लियर, आई होप दैट यू आर क्लियर एवरीवन, ओके? किसमें वेक्टर को आगे एक्सटेंड नहीं करते? किसी में भी एक्सटेंड करो, अरे वेक्टर को आगे एक्सटेंड करो, करो आगे एक्सटेंड, क्या फर्क पड़ता है बताओ? अरे यू टू की डायरेक्शन है तो यही ना बेटा, और ये वी आर टू है, ये वी आर टू है, तो वी आर टू पे कोई भी पॉइंट ले लो, वी आर टू वेक्टर में कोई भी पॉइंट ले लो, और किस साइड जाओगे? जिस साइड यू टू की डायरेक्शन है, तो इधर कैसे चले जाओगे यार, इधर ही तो जाओगे, समझे या नहीं समझे राहुल? समझे बेटा? करो वेक्टर एक्सटेंड कैसे भी करो, आंसर वही आएगा जो मैं बता रहा हूं बेटा, समझ में आई बात? ठीक है, ये देखो बेटा ध्यान से आगे समझना, ये बताओ ये कौन सा ब्लेड आ गया भाई, ये समझे कौन सा ब्लेड है बेटा, ये कोई बताएगा वी आर टू कैसा है? इस डायग्राम में कोई बता सकता है वी आर टू कैसा है बेटा, जल्दी बताओ, ये तीसरा लाइन भी है, तीसरी लाइन है, जल्दी बोलो कैसा है ये, बोलो ना वी आर टू कैसा, क्या बनाएगा फाई, क्या होगा? हाँ स्ट्रेट, स्ट्रेट तो स्ट्रेट लिखना था तो ढंग से आंसर देते ना, वर्टिकल बोलो, वर्टिकल बोलो, स्ट्रेट किसमें स्ट्रेट नहीं है बताना, ये कैसे आंसर देते हो प्रभाकर? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, क्या होगा 90 डिग्री। सो दिस इज, प्लीज रिमेंबर, चाहो तो एक डायग्राम और बना लो, रेडियल वे लिख दो बेटा, और क्या कर देना वहां पर रेडियल, बेटा आपको पता है ना रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल है ना, तो यहां पर रेडियल का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियल वे, इसका मतलब हो जाएगा फाइव प्लस टू 90 डिग्री। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस पार्ट, यू आर क्लियर, ओके डन, ठीक। तो चलो भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में तो आया बेटा कि कैसे कैसे ये वाला, मतलब लॉजिकली आपको समझ में आया कैसे ये वाला जो है ज्यादा फायदेमंद होता है इस वाले से बेटा, इस वाले से ना, इस वाले से ज्यादा फायदेमंद होता है इसमें बेटा, ये लो लोड ऑपरेशन के लिए तो हो जाएगा, मगर पता चला ज्यादा पानी उठाने को बोलोगे बेटा तो क्या होगा इसमें, बल्कि सुनना ध्यान से, इसमें लोड आने लगेगा बेटा, बेंड होने के चांसेस रहेंगे ब्लेड के, समझ में आती है बात, ये इशू रहेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, यह बढ़िया बढ़िया पॉइंट था बेटा, आप लोगों को बड़ा मजा भी आया हुआ सीख के, और आपको ये भी पता है, अब आप कभी मेरा वेलोसिटी डायग्राम नहीं भूलोगे, और बता दो वेलोसिटी डायग्राम मतलब ये कि आप भूल जाओ बेटा, आपको एग्जैक्ट याद रहेगी, इसमें टेंजेंट बनाई तो आर मिल गया, वी टू इधर गया, और ये यू बेटा, यू हो गया, वी डब्ल्यू टू हो गया, जो भी है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यहां चलिए टर्बाइन का ब्लेड तो हमारी बात हो ही गई, आओ बेटा किस पर आ जाते हैं हम लोग, हाँ इफिशियंसी पे आ जाते हैं बेटा, काम किया ब्लैक मार्क कर, अच्छा यही तो रखा है, ठीक है। ये देखो जरा ध्यान से, पंप का बेटा, पंप का एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, एक जो इंडस्ट्री में चलता है वैसा डायग्राम बना रहा हूं, ब्लेड वगैरह छोड़ो, ये देखो बेटा, सो लेट मी रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो, थोड़ा टाइम लगता है बेटा, मगर पंप देखो, टरबाइन कभी कभी बनाने होते हैं, पंप बहुत बनती है, हम बेटा बीएचएल में पंप बहुत बनाते हैं, मतलब लॉट के लॉट हजारों पंप बनती है बेटा, हजारों पंप, ठीक है, एक एक क्वार्टर में, एक एक क्वार्टर में हजारों पंप बनती है, समझे? टरबाइन टरबाइन थोड़ी ना बेटा, टरबाइन बड़ा कॉस्टली आइटम है, और वो तो एक चाहिए होगा पंप तो ना जाने कितनी चाहिए होती है ना, ठीक है, देखना चाहते हैं। तो मैं पंप का एक डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, ये देखिए, जल्दी बताओ बढ़िया पंप है तो क्लॉकवाइज घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। ये इंपेलर है बेटा, ये क्या है मेरा इंपेलर, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो मुझे बस फटाफट से टाइप करके बता दो क्लॉकवाइज घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है बेटा इंपेलर, इंपेलर,
ये क्या है बेटा? केसिंग। ये क्या है? केसिंग। ओके लिख दिया क्या आंसर? लिख दिया एंटी क्लॉक। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कहां से पानी टकराना चाहिए? पानी पानी जब जाके सॉरी ब्लेड जब जाके पानी पर स्ट्राइक करे तो ये बैक साइड से करे बेटा, तो बिल्कुल सही है। कैसे घुमाया बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है देखने जरा ध्यान से, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया बेटा ओमेगा से। ये हो गया डिलीवरी पाइप, ये हो गया बेटा डिलीवरी जो हमारे टैंक में जा रहा है बेटा, डिलीवरी पाइप। अब एक पॉइंट पॉइंट और देखना, एक और आपको बना के दे रहा हूं यहां पर बेटा। ये देखिए ये आ रहा है पाइप नीचे, ये पाइप एक नीचे आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे? ये देखो बेटा ये रही तालाब, ये तालाब है, यहां पानी है बेटा, पानी को ब्लू कलर में बनाएंगे, है ना। पानी को क्या करेंगे? ब्लू कलर में बनाएंगे। अच्छा एक चीज और देखो, ये गलत बना रखा है, ये सक्शन पाइप है। चलो लिख देता हूं पहले, इसका नाम क्या है बेटा? सक्शन पाइप, सक्शन पाइप। अरे इतना मजेदार पॉइंट सिखाऊंगा, और सुनो ध्यान से, ये पुराना पॉइंट छोड़ो, अब जो पॉइंट अगर बढ़िया लगे बेटा, अब नया पॉइंट अगर बढ़िया लगे तो लाइक जरूर करना उसको, है ना। मुझे बताना वहां लाइक करो या नहीं करो, मुझे समझ में आना चाहिए आपने लाइक किया बेटा, ठीक है। तो देखो जरा, जब मैं सिखाऊंगा, जब बढ़िया पॉइंट ना लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, बट मजेदार पॉइंट है। ये देखना बेटा, ये कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता बेटा, कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता। ये बनाया जाता है कैसा? ये देखिए, ये ऐसा बनाया जाएगा बेटा, नीचे से कैसा? एक्सपेंडेड ऐसे। और यहां पर एक लगा होगा बेटा, ध्यान से समझो, यहां पर एक लगा हुआ है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब छलनी, चाय छानने जैसी छलनी, गंदगी ना जाए, गंदगी ना जाए बेटा, ठीक है। तो ये क्या, यहां पर भी नहीं नीचे लगा देंगे, बल्कि और नीचे लगाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब नीचे का जो पार्ट होता है, नीचे का जो पार्ट होता है, जो पाइप होता है बेटा, जहां हमें उसे कैसा बनाना चाहिए, उस पर एक फैला हुआ सेक्शन है ना, जैसे कोन टाइप का, इन्वर्टेड कोन लगा दो। इन्वर्टेड कोन मतलब कोन भी नहीं बोलोगे, फ्रस्टम बोलोगे। ये क्या है बेटा? फ्रस्टम टाइप की शेप है, फ्रस्टम, है ना। तो नीचे का एरिया बड़ा है। आप समझ गए क्यों? क्योंकि अगर सीधा सीधा पाइप होता तो जब पानी अंदर घुसता बेटा, अंदर आता, जैसे आप मोटर ऑन करते हैं तो तालाब में से पानी अंडरग्राउंड, मान के चलो अंडरग्राउंड वाटर, अंदर आता बेटा, सडन कॉन्ट्रेक्शन होता या नहीं होता? और आपको मैंने बताया सडन कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो एक्चुअल में सडन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से लॉस नहीं होता, लॉस होता है सडन कॉन्ट्रेक्शन में, वेना कॉन्ट्रैक्टर के बाद जब एक्सपेंशन होता है। ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग, आप धीरे धीरे बेटा ग्रेजुअल क्लोजिंग कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुअल कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, सो दैट देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टर, और आपका क्या हो जाए, लॉसेस ना हो बेटा। समझ गए बात? ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्ट्रेनर है बेटा, जाली लगी हुई है, गंदगी ना है, ये आपका एक्सपेंडेड है। तो ये भी पूछ सकता है कि बताओ नीचे का जो पाइप होता है उसे एक्सपेंडेड क्यों बनाते हैं, मतलब वो लास्ट सेक्शन का क्यों होता है, सो दैट वी कैन मिनिमाइज द, यू कैन राइट डाउन, वी कैन मिनिमाइज द माइनर लॉसेस, है ना, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन हम मिनिमाइज कर पाए। तो आई होप दैट यू आर, यहां तक तो बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आके डिस्कस कर रहा हूं बेटा, एक मिनट देना जरा, वॉशरूम से होकर आ रहा हूं ना, एक मिनट। हाँ जी बेटा, सॉरी बेटा, देखिए आपको, चलो ये पॉइंट बताता हूँ, फिर आपको एक मजेदार बात बताऊंगा, ठीक है। कल वाइफ ने मुझे कुछ बोला कि एक्चुअली मैं कुछ एग्जांपल दे रहा था बेटा, वो खिलौना लेके आया था, टरबाइन वाला, टरबाइन आपको दिखाया था घर में, है ना, बताऊंगा। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कुछ, तो मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, आप ही लोगों से रिलेटेड थी, देखना जरा। ये देखो बेटा,
ये सक्शन पाइप हो गया है ना। तो अगर देखा जाए तो मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, डूबे हुए पोर्शन को कभी हम कंसीडर नहीं करते, जो पानी में डूबा होता है सिखाया नहीं था बेटा, जितना नीचे गए उतना ही ऊपर गए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ये रहा इसको बेटा, ये जो सेंटर है, सेंटर इस सेंटर का नाम होता है, ये जो सेंटर है बेटा जिसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको आप बोल सकते हैं क्या, जो सेंटर वाला पॉइंट रहता है इसे आप बोल देते हैं इंपेलर आई। क्या बोल देते हैं? इंपेलर आई बेटा, है ना। तो जिसे आप रनर बोलते थे, घूमने वाला पार्ट जो रनर कहलाता था वही इंपेलर कहलाता है। इसको डिस्कस करने की जरूरत है, आप सबको बताए फालतू टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। ये देखो बेटा सेंटर से हाइट नापते हैं, सेंटर इंपेलर आई से, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरा एच एस, कितना हेड बेटा, हेड मतलब हाइट कितनी है ना। और फिर इसी इंपेलर समझना, यहीं से मैंने क्या किया बेटा, मान के चलो मुझे यहां तक पानी उठाना है, लेट्स से मेरा टैंक कहां है बेटा, यहां पर लगा हुआ है, लेट्स से ये टैंक है बेटा, ये टैंक है, तो हमें ये भरना है बेटा। तो यहां के सेंटर से उठा लेते हैं बेटा, सेंटर से वैल्यू उठा लेते हैं यहां पर, और इसको क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे बेटा डिलीवरी हेड। ये क्या हो गया, एच डी हो गया, डिलीवरी हेड। ओके, सो लेट मी राइट डाउन दिस एज व्हाट एच एस, बहुत बढ़िया पॉइंट आएगा बेटा, एक भी बच्चा कहीं इधर उधर भी मत जाना, ठीक है ना, मतलब पूरा ध्यान यही रहना चाहिए, एक्सीलेंट पॉइंट सिखाने वाला हूं। ये क्या है बेटा, सक्शन हेड, सक्शन हेड, और ये क्या है बेटा एच डी, दिस इज डिलीवरी हेड, डिलीवरी हेड। अब ऑब्वियस इसमें लॉसेस भी होंगे बेटा, लॉसेस होंगे, तो ठीक है थोड़े बहुत लॉसेस लिख लेते हैं, लिख देता हूं बेटा एच, ये कैपिटल ना लगा के क्या लिखता हूं बेटा, ये नहीं लिखते हम लोग, लिखते हैं एच एफ एस, एच एफ एस, ओके एच एस बेटा, एच एफ तो आप समझ ही गए फ्रिक्शन लॉस है, मगर एस लगा दिया तो इसका मतलब कहां, सक्शन पाइप में, फ्रिक्शन लॉस इन सक्शन पाइप, इन सक्शन पाइप। तो मैं एक और लिख रहा हूं, उसकी इंग्लिश नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लेना बेटा एच एफ डी, एच एफ डी, ठीक है, वो आप खुद लिख लो। हाँ भाई फ्रिक्शन लॉस है और किसमें है, डिलीवरी पाइप में बेटा, डिलीवरी पाइप में, ठीक है। देखिए जरा यहां से, यहां पर इन दिस केस, अब आप बात करेंगे कि सर ये बताइए कि मेरे घर की पंप कितने कहां तक पानी उठा सकती है, कहां तक पानी। तो बेटा सुनो ध्यान से, बड़ा बढ़िया पॉइंट जो मैं मतलब मुझे सबसे बढ़िया लगता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में पढ़ाना, वो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि सबसे पहले पानी उठा क्यों, पानी उठा क्यों, और हमने इसे सक्शन क्यों बोला, क्लियर है आपको। तो देखो जरा ध्यान से, डिलीवरी पाइप को भी हटा देते हैं बेटा, डिलीवरी पाइप को हटा देते हैं, ठीक है, मुझे जगह चाहिए होगी, ये सब लिखा रहने दो। ये देखो मैंने डिलीवरी पाइप हटा दिया बेटा, हटा दिया मतलब छोटा कर देते हैं, हटाओ, ठीक है, ये डन बेटा डिलीवरी पाइप। अब बात ये हुई कि जैसे ही मैंने बेटा सुनिए, जैसे ही मैंने मोटर को ऑन किया, यहां सुनना ध्यान से, पहले पानी क्या था बेटा, पानी तो नीचे है, और यहां क्या है, ये देखो रेड कलर में हवा दिखा रहा हूं, रेड कलर में क्या है बेटा, हवा, देखना ये क्या है बेटा, हवा है, ये रेड कलर में हवा, ओके। अब जैसे ही आपने पंप को क्या किया बेटा, आपने पंप को जैसे ही ऑन किया, ठीक, बर्नौली इक्वेशन बोलती है बेटा, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलेगी, बर्नौली इक्वेशन बोलती है कि जैसे ही आपकी वेलोसिटी हाई होगी बेटा, वी स्क्वायर बाय 2g बड़ा होगा हाई, दिस इंप्लाइज दैट कि आपका प्रेशर p अपॉन रो g क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, समझे बेटा। तो समझो जरा, पहले आपको बताता हूं, यहां पर भी हवा, सुनना बेटा, ये देखो ये हमारा डिलीवरी पाइप था, डिलीवरी पाइप जब हमने मोटर ऑफ कर दी थी, जब हमने मोटर ऑफ की थी बेटा, तो समझो पानी नीचे उतर गया पूरा, और ऑब्वियस है ये खुला पार्ट है बेटा, ये खुला है, ये खुला हुआ पार्ट है, तो हवा को जहां जगह मिलेगी वहां एंटर कर जाएगी, तो पूरे में क्या हुआ था बेटा, पूरे में हवा आ गई थी, पूरे में क्या आ गई थी, हवा आ गई थी पूरे में, ठीक है। अब ये बताओ, ये मान के चलो ये खुला पानी है बेटा, खुला मतलब ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो कोई बता सकता है कि यहां पर बेटा प्रेशर क्या रहेगा, यहां पर प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर PATM क्या होगा बेटा, ये खुले तालाब में पानी है तो टॉप सरफेस पर प्रेशर क्या रहेगा बेटा, PATM। तो मैंने आपको बताया था आप जितना नीचे गए बेटा उतना ही ऊपर आए, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट में भी क्या मान लोगे बेटा, चाहे यहां मानो चाहे यहां मानो, यहां पर भी क्या मान लोगे, PATM मान लो, ठीक है, ठीक है। या थोड़ा बहुत लॉस इसलिए होता है कि फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, बट अभी हम क्या मानेंगे, PATM, क्लियर। जैसे आपने, और यहां पर भी क्या बेटा, यहां पर भी PATM, यहां पर भी क्या है बेटा, PATM है, ठीक है। तो ये समझो, जो मैंने इनलेट और आउटलेट किया था बेटा, आपको पता है इनलेट में 1 दिखाता हूं, आउटलेट में 2 दिखाता हूं, तो ये देखना पानी पहले अंदर से आ रहा है फिर बाहर भागेगा, सुनना बेटा है कैसे,
ये जो पंप है बेटा, ये इंपेलर ऐसे घूमेगा, ऐसे। ये इंपेलर कैसे घूमेगा? ऐसे, ठीक है। नीचे क्या है बेटा? 1 atm प्रेशर है, 1 atm। जैसे ही इंपेलर घूमा, एयर की वेलोसिटी हाई हो गई, एयर की वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? हाई हो गई, और बहुत तेज घूमा, तो उससे प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर ड्रॉप हो गया, प्रेशर ड्रॉप। तो जैसे ही बेटा ये घूमेगा, जैसे घूमेगा क्या हो जाएगा? यहां पर जो प्रेशर बेटा, यहां देखना कहां की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं इनलेट की बेटा। ये इनलेट है और ये क्या है? आउटलेट है। ब्लेड का देखो बेटा, इनलेट। तो पहले पानी क्या करेगा? सक्शन की वजह से बेटा ऊपर आएगा, ऊपर, और फिर ऐसे भागेगा बाहर, ऐसे रेडियली बाहर भागेगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इस पॉइंट का नाम क्या ले रहा हूं बेटा? ब्लेड का वन। क्या नाम ले रहा हूं? वन। और इसका नाम क्या ले रहा हूं बेटा? टू। तो प्लीज रिमेंबर, इसका नाम वन है बेटा, ब्लेड के इनलेट का। ब्लेड के जस्ट जहां से एंटर कर रहा है पानी, और जहां से पानी छोड़ के बेटा पाइप में जा रहा है, वो टू हो गया, है ना। ये तो आपको पता ही है। तो ये समझो, जैसे ही मैंने इसे घुमाना शुरू किया बेटा, जो पी वन है, समझ गया बेटा? पी वन क्या है? प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द ब्लेड, इनलेट। ये क्या मतलब? इंपेलर आई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंपेलर आई। तो वहां पर जो प्रेशर हुआ पी वन, वो क्या हो गया बेटा? पी एटीएम से कम हो गया, पी एटीएम से कम हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस है बेटा, ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया, तो पानी ऊपर आ गया। यहां तक तो आप सबको ये कहानी पता है, बात तो इसके बाद शुरू होती है बेटा, ठीक है। यहां तक तो मुझे गारंटी है कि सबको पता है बेटा, ये पी एटीएम था, आपने इसे घुमाया, वेलोसिटी बढ़ाई, प्रेशर कम किया बेटा, लो प्रेशर होते ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। मगर मगर ये कहां तक काम करेगा? मतलब ये एचएस कितना होना चाहिए, ये एचएस कितना होना चाहिए बेटा, सुनना जरा ध्यान से। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज बात सिखाई थी, मैंने आपको पहले भी ये बात सिखाई है बेटा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाई थी कि ये देखो बच्चे, इंपेलर आई हटा देते हैं यहां से, पी वन से बात करते हैं बेटा। ये क्या हो गया? पी वन बेटा, ये क्या है? V1, है ना, V1 हो गया, और ये क्या हो गया? P1, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये देखो PATM की वैल्यू बोलो वाटर में बेटा, वाटर हेड में जल्दी बोलो, आपको पानी उठाना है, मान के चलिए आपको पानी उठाना है बेटा, पानी, ठीक है। मुझे फटाफट बताओ PATM, सुनना ध्यान से, PATM की वैल्यू बताओ क्या होती है, कितनी है बेटा? याद है किसी को वाटर कॉलम में कितनी होती है? इतने मीटर ऑफ H2O, याद है किसी को? कैसे निकालते हैं भाई? पानी के डेंसिटी जी से डिवाइड कर दो तो पानी का कॉलम आ जाएगा। मर्करी से कर दोगे, मर्करी के डेंसिटी जी से कर दोगे तो मर्करी का आ जाएगा। कितना है बेटा जल्दी बताना? वेरी गुड, कितना है बेटा ये? 10.3 मीटर ऑफ H2O, ठीक है। और मैंने यहां पर जैसे ही टर्बाइन को घुमाया बेटा, यहां पर भी पहले हवा थी, एटमोसफियर ही था, मगर जैसे ही घुमाया प्रेशर कम हो गया। P1 कितना हो गया बेटा? P1 हो गया 8 मीटर ऑफ H2, ठीक है। मतलब आपने पूरी दम लगा दी, जितना तेज इसको घुमा सकते थे बेटा उतना तेज घुमाया। मतलब इसमें जितनी पावर की मोटर लगी थी, जितनी भी बढ़िया कॉइलिंग आपने की थी इसमें, जितनी भी पावर की मोटर लगी थी, आपने सबसे तेज घुमा लिया। और सबसे तेज घुमाने के बाद भी आपने ये देखा कि यहां प्रेशर ड्रॉप हुआ, कितना हुआ? 8 मीटर। बेटा बता सकते हो, लॉसेस को छोड़ दो, लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दो, अभी बता सकते हो जो पानी का लेवल है, अगर मैं इस पंप को 3 मीटर ऊपर लगा दूं, सुनना ध्यान से, मान के चलो गवर्नमेंट की जो पाइप जा रही है उसमें अपना कोई प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट की जो पाइप जा रही है उसमें पानी भरा है पर उसमें अपना कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। अगर आपने इस पंप को 3 मीटर ऊपर लगा दिया तो ये कभी पानी नहीं उठा पाएगी बेटा, एग्रीड और नॉट? अगर आपने 3 मीटर, क्यों बेटा ये बताओ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कितना हुआ है? प्रेशर हेड। अच्छा ये समझना बेटा, ये PATM ना लिख के मुझे क्या लिखना चाहिए? अपॉन रोजी, क्या लिखना चाहिए? रोजी। ये बेटा क्या लिखना चाहिए? 8 मीटर जो मैं लिख रहा हूं, क्या ये इक्वल टू ये होगा बेटा? P1 अपॉन रोजी, क्योंकि जब मैं मीटर में लिख रहा हूं तो ये हेड है, हेड। क्लियर? आपको ये बात समझ में आई बेटा कि अगर 3 मीटर ऊपर ये पंप लगा दूं पानी के लेवल से, तो इसका मतलब इसे पानी कितनी ऊंचाई तक उठाना है? 3 मीटर तक। मगर ये कितना डिफरेंस क्रिएट कर पाई? केवल 2.3। अरे 2.3 का हेड आपने क्रिएट किया और आप चाहते हो 3 मीटर तक पानी उठ जाए? नहीं उठेगा बेटा, नहीं उठ सकता। समझ में आया बेटा? 5 मीटर का डिफरेंस कहां क्रिएट हुआ बेटा? 2.3 क्रिएट हुआ बेटा। यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है बेटा? यहां पर 10.3 मीटर है। इसको घुमाने के बाद आपने यहां प्रेशर मेजर किया, विच इज लेस देन ATM, लेस देन ATM। क्यों? क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है, प्रेशर कम हुआ होगा। तो आपने जब यहां प्रेशर मेजर किया, विच कैन बी कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर, क्योंकि PATM से कम है तो सक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि हाँ सर, ये तो 2.3। तो आगे देखते हैं बेटा, आगे तो क्या करें? मोटर चेंज कर देते हैं,
बढ़िया वो टंगे आते हैं जो और तेज घूमती हो, जो और तेज घूमती हो लाओ बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलो ये देखो बेटा, आप गए, आप देखे भाई ये मोटर हटाओ तो दूसरी मोटर लगाएंगे, लेके आ गए हम दूसरी मोटर, वो और तेज घूमती है बेटा, बहुत फर्राटे से घूमती है, जितना फर्राटे से घूमेगी बेटा उतना ही G2G बढ़ जाएगा, और बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी अपॉन रो जी वी और ये एच क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, तो पी और कम हो गया। चलो नहीं वैल्यू देता हूं, ये देखो बेटा 6 मीटर ऑफ H2, ठीक है भाई, उठ जाएगा बेटा बेटा 3 मीटर उठ जाएगा पानी या नहीं उठ जाएगा, उठ जाएगा बेटा, बिल्कुल उठ जाएगा। तो अब मुझे बस इतना बताओ, सुनो ध्यान से, मुझे बस ये पूछना है ना, मौके की बात पे आते हैं, सर नो सर मोटर 3 मीटर ऊपर लगाने के बाद 5.3 का होगा ना, अरे भाई मोटर 3 मीटर ऊपर लगाई है आपने, मगर मोटर इस जगह पे प्रेशर कितना प्रेशर कम कर पा रही है सोच के देखो, मैं बस बात कर रहा हूं कि यहां पर जब मोटर कहीं भी लगा दो, ये जब घूमा तो यहां पर प्रेशर लो होना शुरू हुआ, प्रेशर लो होना शुरू हुआ, इस वजह से मैं बात कर रहा हूं, जब लो प्रेशर यहां आया तो कितना आया, यहां पर आया 8 मीटर, यहां जो प्रेशर आया 8 मीटर, यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है 10.3 है, यहां पर जो प्रेशर है क्या है 10.3। तो ये बताओ आपने प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट किया, कितना हेड आपने क्रिएट किया, कितना डिफरेंस है आपका जो प्रेशर डिफरेंस हेड है, जो प्रेशर डिफरेंस हेड है बेटा, ठीक है वो कितना है 2.3, जबकि मोटर लगी 3 मीटर पे, कहां से पानी उठा देगी भाई, नहीं उठा सकती, नहीं उठा सकती, जो चीज बनी 2.3 मीटर के लिए है आप उसे 3 मीटर कैसे पानी उठा लोगे, मैं बस बात कर रहा हूं बेटा ध्यान से समझ रहे हैं, यहां पर ये देखो 6 मीटर उठ गया ना पानी बेटा, ठीक है ओके डन। नहीं मेरी मेरे को तो क्या है, मैं आपको बताता हूं, वाटर है बेटा, वाटर लेवल जो है मान के चलो जो अंडरग्राउंड वाटर है, हालांकि उसका प्रेशर 1 atm नहीं होता, मगर फिर भी मान के चलते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर बेटा उसका जो प्रेशर है वो 1 atm है, सबसे ध्यान से सुनना बड़ा मजा आने वाला है आपको, ठीक है उसका जो प्रेशर है वो क्या है बेटा 1 atm है अंडरग्राउंड वाटर का, मगर आपने देखा होगा आजकल तो वाटर लेवल नीचे चला गया है, बहुत नीचे चला गया वाटर लेवल, तो पता चला अभी जो पानी है बेटा मान के चलो ये 8 मीटर है बेटा, 8 मीटर मतलब जहां पानी मुझे खींचना है जिस जगह से, जहां से मुझे पानी खींचना है बेटा, और जहां मैं, जहां मेरा घर है फर्श, मेरा फ्लोर बेटा, मेरा फ्लोर और पानी का लेवल बेटा 8 मीटर का डिफरेंस है, पानी 8 मीटर नीचे है, 8 मीटर नीचे, बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ कौन सी मोटर लाओगे, जल्दी बताओ कौन सी मोटर यहां लगाओगे जो कितना, यहां पर कितना प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो कितने मीटर, यहां पर 8 मीटर नीचे बेटा, 8 मीटर सुनना ध्यान से, पानी कहां है 8 मीटर नीचे है, तो जल्दी बताओ यहां पर इसे घुमाए, फ्रिक्शन छोड़ दो, फ्रिक्शन छोड़ दो, बस ये बताओ इसे किस स्पीड से घुमाओ बेटा जो ये क्या हो जाए, पानी उठ के आ जाए बेटा, जल्दी बोलो वैल्यू बोलो, यहां क्या लिखा 8 मीटर पानी उठाना है, वेरी गुड, कितना बेटा वेरी गुड, कितना 2.3 मीटर, वेरी गुड बेटा, ऑब्वियस ऐसी मोटर लाओ जो इतना तेज घूमे, इतना तेज घूमे बेटा क्या करे 2.3, कम से कम 2.3 का प्रेशर यहां क्रिएट हो जाए। आई होप दैट यू आर क्लियर बेटा, है ना, पानी उठ के नहीं आएगा, पानी उठ के नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिखाया था कि पानी अगर 2.7 मीटर ऑफ H2O को टच करेगा, सुनना बेटा ध्यान से, ये देखो यहां पर आप बोल रहे हो यहां पर प्रेशर कितना है, ये देखो P1 आप बोल रहे हो, आप P1 बोल रहे हो कि सर मैंने मोटर घुमाई और इतनी तेज घुमाई कि 2.3 मीटर हो गया मीटर ऑफ H2O, यहां बेटा यहां पर देखो बेटा, सॉरी बच्चों देखो, है ना, देखना बेटा चल गया काम हो गया दोबारा, यार इतने मतलब इतना इंपॉर्टेंट टाइम पे जाता है ना, हाँ देखना बेटा ओके है ना बच्चों, डन चलो शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा मैं बात कर रहा था कि ये समझना, ये सब जो बेटा कि हम लोग बात कर रहे थे भाई 10.3 से 2.3 जा रहे हैं, 2.3 बेटा, तो बीच में कहीं 2.7 मिलेगा, 2.7 मिलेगा, और आपको बता देता हूं बेटा 2.7 पे क्या होगा, याद है किसी को 2.7 पे क्या होगा बेटा, याद है 2.7 बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि कई बार क्या होता है जब लो प्रेशर होता है ना बेटा, तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, वेपराइजेशन टेम्परेचर भी लो हो जाता है, और पानी क्या होता है बहुत कम टेम्परेचर पे वेपर बन जाता है,
तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि इस देखो बेटा इस ग्लास में पानी है, इस ग्लास में पानी है और इस कमरे में 1 एटीएम प्रेशर है 10.3। क्या करेंगे बेटा ध्यान से सुनो, एक पंप लगाओ और सारी हवा बाहर खींचो, खींचते जाओ बेटा, प्रेशर कम होता गया 10.3 से कहां गए 2.7 पर। किसी को याद है बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ग्लास में याद है बेटा आप लोगों को, इस ग्लास में पानी है अभी और मैंने सक्शन पंप लगा के 10.3 मीटर ऑफ H2O मतलब 1 एटीएम से प्रेशर कितना डाउन कर दिया 2.7। बताना बेटा ये ग्लास क्या होगा, इसमें पानी भरा हुआ है, याद है किसी को? सही आपको याद है, मुझे पता है बेटा आप लोगों को याद है। क्या होने वाला है बेटा, खाली हो जाएगा ग्लास, खाली हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा बेटा, बिल्कुल वेपर बन के क्या होगा बेटा, उड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो देखो बेटा फटाफट से बात सम करते हैं यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप बेटा सुना ध्यान से, आपको आइडली अगर बताऊं आइडली, वो भी बेटा कब, वो भी तब जब हम लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडली सुनो, आइडली बताता हूं, कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर सुनो P1 अपॉन रो जी मिनिमम, सुनना ध्यान से बेटा, जितना ज्यादा ये कम होगा उतना ही पानी क्या होगा तेजी से ऊपर आएगा, ठीक है, या फिर उतनी ऊंचाई तक जाएगा। दो चीजें हैं, सुनना बेटा दोनों चीजों को चलो कंपेयर करो। मान के चलो यहां पर अभी क्या है बेटा, यहां पर क्या है, 2.3 नहीं है, हटा देते बेटा, ये हटाओ जरा। मान के चलो अभी यहां पर 5 मीटर है, 5 मीटर ऑफ H2 और पानी उठ के आ रहा है, पानी उठ के आ रहा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये मोटर जो है, ये जो पंप है बेटा, ये कितनी हाइट पे लगी होगी बता सकते हो आइडली? अभी पानी उठ के आ रहा है, 5 मीटर है बेटा, पानी उठ के आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसकी हाइट कितनी हो सकती है बेटा, 5.3 कितनी हो सकती है इसकी हाइट बेटा, 5.3 हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, सो मगर मान के चलो पानी अभी उठ के आ रहा है, हमने कोई सिस्टम चेंज नहीं किया पर मैंने यहां 4 कर दिया, 4 कोई बता सकता है क्या होगा, कोई यहां पर बता सकता है बेटा क्या होगा? 5 मीटर पे भी पानी उठ के आ रहा था पर मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया, इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक्स्ट्रा हाइट उतनी की उतनी है, कहां जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर कहां जाएगा बेटा, वेलोसिटी बढ़ाएगा, वेलोसिटी। तो क्या होगा बेटा, ये देखो यहां पर दिखा रहा हूं, ये जो आपका वीएस है, इसमें सक्शन पाइप में जो पानी ऊपर आ रहा है, वीएस वीएस बढ़ जाएगा। तो मान के चलिए अगर यहां पर बेटा, यहां पर 6 मीटर लिखा है, पानी उठ के आ रहा है, फिर भी आप 6 की जगह 4 कर दें और एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर दें तो कुछ नहीं होगा, पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, दैट्स ऑल, पानी ज्यादा तेजी से आने लगेगा। ओके, सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। हाँ, अरे पंप तक ही पहुंचाना है बेटा, पंप तक ही पहुंचाना है। सुनो, एक बार अगर पानी यहां आ गया ना, पंप तक पहुंच गया, उसके बाद तो थप्पड़ मार के ऊपर फेंक दूंगा। समझ में आई बात बेटा क्या बोल रहा हूं? अगर एक बार यहां तक आ जाए बस, यहां एंटर कर जाए बस, उसके बाद तो मैं फेंक दूंगा बेटा थप्पड़ मार के बाद। समझे या नहीं समझे, है ना? क्यों पता है ना आपको, है ना बेटा मेरे पास थप्पड़, ये देखो ये मारा थप्पड़, दे दी उसे एनर्जी, थप्पड़ मार के पहुंचा दिया ऊपर। बस मेरा तो काम यह है कि कम से कम यहां तक तो उठ के आ जाए, क्योंकि यहां थप्पड़ नहीं मार सकते, कहां जाऊं अंदर गड्ढा खोद के थप्पड़ मारने थोड़ी ना जाऊंगा। हाँ बताओ, अंदर गड्ढा खोद के थप्पड़ मारने जा सकता हूं? बोलो, हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। और सबमर्सिबल पंप वही है, सबमर्सिबल पंप वही है, क्योंकि बताता हूं सुनो ध्यान से, ये देखो बेटा यहां पर, ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। दिस इज मिनिमम, देखना बेटा मिनिमम, दिस इज वेपर प्रेशर हेड, वेपर प्रेशर हेड, हालांकि वो जो भी टेम्परेचर पर पानी होगा उसका इंपैक्ट आएगा, पर वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पर आपको पता होना चाहिए, वो स्टीम टेबल से मिल जाता है, वेपर प्रेशर हेड ऑफ H2O। आप वेपर प्रेशर, बल्कि सुनो वेपर प्रेशर तक भी नहीं जाओगे, वेपर प्रेशर तक भी नहीं जाओगे, उससे 0.01 ऊपर ही रहना, उससे 0.01 ऊपर ही रहना, आइडली बोल रहा हूं आइडली, ठीक है। तो आई थिंक यू आर यस, एंड व्हाट इज दैट, 2.7। मगर मैं क्यों बेटा, मैंने 2.7 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, मैंने 2.7 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर का वेपर प्रेशर अलग होता है और अंडरग्राउंड और ग्राउंड वाटर का अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो क्या होगा बेटा, ठंडा होगा ना, समझे नहीं समझे? तो ये पॉइंट मेरे को सिखाना था, ये पॉइंट मेरे को बताना था आपको कि आपको ये समझ में आया कि भाई वेपर प्रेशर से नीचे नहीं जाना है। तो आइडली देखा जाए तो क्या होगा बेटा, आइडली तो ग्रेटर होना चाहिए,
मैं कहा ठीक है ग्रेटर लिखो इक्वल लिखो क्या फर्क पड़ता है। अब ग्रेटर को कोई बोलेगा सर ठीक है मैं 0.01 ग्रेटर हो गया, हाँ तो हो जाओ यार 0.01 ग्रेटर हो जाओ, 2.7 की जगह 2.71 रख लो, नीचे मत जाना। नीचे गए तो क्या होगा बेटा, वेपर बन जाएगी। और मैंने बताया था वेपर, आपको बताया ना बेटा मुझे काम कैसे पता चलता है, मुझे कितना काम करना है। अगर मुझे कोई चीज ऊपर उठानी है तो मुझे ये प्रेशर है क्रिएट करना है, प्रेशर है बेटा। अगर वेपर बन गई तो आपको याद होना चाहिए वेपर बन गई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम, बहुत कम। और इसका मतलब आपका काम, जो आपको काम करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो अगर पानी है बेटा, लिक्विड फॉर्म है तो 1000 लिखा हुआ है, तो काम क्या करना है, ये करना है बेटा। और अगर मान के चलो, अगर या इसे पीएटीएम लिख सकते हैं, पीएटीएम अपॉन P1, यहां पर मान के चलो बेटा पीएटीएम अपॉन P1, और पता चला एयर आ गई बेटा, एयर आ गया 2.1.29 और जी बेटा देख लो जरा, 900 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा इस केस में, 900 गुना ज्यादा हेड क्रिएट करने नहीं हो पाएगा। तो पंप का भी सुनिए ध्यान से, पंप का भी कभी भी जो सेंट्रिफ्यूगल पंप होती है वो एयर के लिए नहीं बनती बेटा, एयर के लिए नहीं बनती है, ठीक है ना, वो अलग, एयर के लिए अलग कॉन्सेप्ट रहता है, मगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां से एयर में डील नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया। हाँ, अगर आप लिखना चाहें नॉर्मली, नॉर्मली जो लिखते हैं बेटा, जनरली, जनरली अगर हमें नहीं दिया बेटा तो पीवी विच इज वॉट, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ये नोट कर लेना बेटा, वेपर प्रेशर है ना इक्वल्स टू इज 2.7 मीटर ऑफ H2। सो प्लीज रिमेंबर, जो भी कुछ करना है यहां 2.7 से नीचे नहीं जा सकते। अब ये दिक्कत आती थी बेटा, और आप देखना आपके घरों की भी कहानी बताता हूं, आपके घरों में भी क्या होता था, कई बार बेटा पानी नीचे उतर जाता था, दिक्कत आती थी, फिर हम बोलते थे यार पानी नहीं चढ़ रहा, पानी नहीं चढ़ रहा, फिर बंदा क्या करता था, सुनो ध्यान से, कई बार ये होता था कि पानी जेट पंप लगाई, शुरू में क्या चलते थे बेटा, या तो ये सेंट्रिफ्यूगल पंप चलते थे या क्या चलते थे, जेट पंप चलते थे, जेट पंप। जेट पंप की भी लिमिटेशन ये है कि वो बेटा कहां तक काम कर सकता है, सो देयरफॉर सेंट्रिफ्यूगल पंप आइडली, सो देयरफॉर आइडली सेंट्रिफ्यूगल पंप कैन लिफ्ट वॉटर अप टू, हाँ भाई बता रहे अप टू कितना बेटा, कितने मीटर, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ कितने मीटर, फटाफट बताओ कितने मीटर तक पानी उठा सकती है सेंट्रिफ्यूगल पंप आइडली, आंसर दो। 5.3 क्या यार, बताना यार कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हो मिनिमम, P1 की मिनिमम वैल्यू बेटा, जितना ये कम होगा उतना ही हेड डिफरेंस ज्यादा होगा, आंसर बोलो बेटा, सब लोग बताओ फटाफट, कितना बढ़िया पॉइंट सिखाया यार, मजे करो उसमें, मतलब मजा आना चाहिए टीचर को, यार मेरे, मैंने अपने बच्चों को बढ़िया सिखाया, बताओ बेटा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सेंट्रिफ्यूगल पंप है, मैं बात कर रहा हूं कि कितनी हाइट तक बेटा ये पानी उठा पाएगा। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2.7 मीटर ऑफ H2, ठीक है, ये P1 नहीं है, ये मुझे लिखना चाहिए P1 अपॉन रो जी, बट इसे प्रेशर हेड मान लो बेटा, ये ना इसमें कमी मत निकालना सर, आप तो P लिख रहे हो, होना ये P अपॉन रो जी चाहिए, अरे नॉलेज पे जाओ कि क्या सिखा रहा हूं बेटा, है ना, तो P ये प्रेशर हेड है, ये भी क्या है बेटा, प्रेशर हेड है ना, 10 ऑफ H2। तो आपने सही बोला कि यहां 10.3 है या 2.7 है, तो डिफरेंस कितना आया बेटा, यहां देखिए, ये यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, आइडियली सेंट्रिफ्यूगल पंप कैन लिफ्ट वाटर अप टू 7.6 मीटर बेटा, समझ गए, सुनना, अगर यहां पर कोई बोले नहीं हमें वाटर नहीं, हमें तो मरकरी उठानी है, हमें तो क्या करना है, मरकरी उठानी है, मरकरी, ठीक है, तो मरकरी उठानी है बेटा, तो ध्यान से समझो, पहली बात तो पीएटीएम को क्या लोगे, 10.3 नहीं लोगे, मरकरी का सुनना ध्यान से, इसमें अभी 13.6 से और डिवाइड करो, इसमें अभी 13.6 से और डिवाइड करो, क्यों, 10.3 तो तब आया था जब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या किया था बेटा, वाटर की डेंसिटी इनटू जी से डिवाइड किया था, अगर मरकरी करोगे तो आपको पता है कि 13.6 टाइम्स ज्यादा होती है उसकी डेंसिटी, है ना, तो मरकरी, हालांकि मरकरी के लिए पूछेगा नहीं, आपसे तो पानी के लिए पूछेगा, समझ में आया, आपसे पानी के लिए पूछेगा, क्लियर, क्योंकि आपसे हाइड्रो पढ़वाएगा, हाइड्रो है ना, हाइड मतलब पानी, डन, ये देखो बेटा ध्यान से, आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस डेटा। अब बात यह आई कि सर चलिए, अच्छा एक जगह और लिख लेना,
दिस 7.6 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 55 फीट। 55 फीट बेटा लिख लो, 55 फीट बोलते हैं इसको जनरली, जितना मुझे याद है 7.6 मीटर का जो इक्विवेलेंट डाटा होता है वो 55 फीट तक होता है ना। इसका मतलब आपको आपको मैं बताता हूं, जब मैं नोएडा आया बेटा रहने इन 2003, यहां पर जो वाटर लेवल था ना बेटा, जो ग्राउंड वाटर था अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल था वो बेटा केवल 28 मीटर पे पानी आ जाता था 28 पर। तो लोगों के घर में क्या था, आप अपने घर अपनी कॉलोनी में भी देखना, बिल्कुल रियल बता रहा हूं क्या हुआ है, 28 मीटर पे पानी आता था बेटा। आपको पता है हम इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं, इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं हमने बेटा, ये पता है ये जो हमने रेड मारी है हमारी नेचर की, ये हमने जिम्मेदार है। आज जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं देखना, इससे भी गंदी सिचुएशन झेलेंगे हम और अपनी जिंदगी में झेलेंगे, क्योंकि हमें अहमियत नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज की, है ना। नल खोला बेटा, जैसे मुंह धो रहे हैं तो नल खोला, ये देखो पानी लिया धोया चल रहा है, जब तक मतलब ये पानी आ रहा है बेटा तब तक वो नल चल ही रहा है, ये करते हैं हम और हम भुगतेंगे इसके लिए, हम भुगतेंगे क्योंकि हमें इतना होश नहीं है कि एक मग में पानी ले लिया जाए, जब भी चाहिए एक हाथ से ही धो ले, नहीं मगर हमें कंफर्ट चाहिए ना बेटा, लो कंफर्ट लो, देखेंगे आगे आगे देखना, चिंता मत करो कि अगली पीढ़ी आता है ना, अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ोगे, अरे रुक जाओ जरा इसी पीढ़ी में देख लेना कितना बुरा कंडीशन होगी हम लोगों की बेटा, समझे। तो इसीलिए थोड़ा सा बेटा ये सब तो चलता रहेगा, पर ना खुद भी बढ़िया बनो बेटा और लोगों को भी जागरूक करो, है ना, जागरूक करो मतलब लोगों को भी ये बोलो कि यार ऐसा मत करो, ऐसा बोलो बेटा, अरे अपनी लाइफ में कुछ नहीं तो 100 लोगों को बोलोगे, दो भी समझे आपकी बात तो 2 तो समझे, तो मेरी बात समझो बेटा, है ना। ये थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, हम सबको करना पड़ेगा, आप ही नहीं मुझे भी करना पड़ेगा, मेरे परिवार में भी करना पड़ेगा, आपके परिवार को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझना इस बात को ना, मतलब कुछ वैल्यू लगे, बहुत बुरा हाल होने वाला है बेटा, बहुत बुरा हाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, देख लेना जरा ध्यान से। तो यहां तक आ गए थे, अब बात ये आई, मैंने आपको बताया था मैं नोएडा में आया बेटा, तो 2003 में यहां पर 28 मीटर पे पानी था, आज की डेट में बेटा 152 मीटर पे पानी है, 152। कैन यू इमेजिन कितना, मतलब सोचो कितनी रेड मारी गई है बेटा नेचर की, कितना कितना। अब मतलब आप बोलोगे सर ये क्या रेड वगैरह है ना, यार मैं लोकल बन रहा हूं, मैं बड़ी लोकल भाषा में बात करता हूँ, मेरा कोई स्टाइल नहीं है बेटा, बिल्कुल लोकल हूं मैं, है ना। देखो तो समझो लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने अभी भी बुद्धि नहीं आई, बोले हमारी जेब में तो पैसा रखा है ना, हम तो अमीर हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा, लो हम सबमर्सिबल लगा लेते हैं। सबमर्सिबल में क्या किया बेटा, सुनो ध्यान से ये देखना, दिक्कत सुनो बेटा, कैविटेशन की दिक्कत कहां हो सकती है, यहां पहले ये बताओ, लो प्रेशर जोन में क्या बनती है, वेपर बनती है, फिर वो वेपर जब फटती है बेटा तो क्या करती है, हाई प्रेशर वेव जनरेट करती है और मेटल को इरोड कर देती है। तो जस्ट टू टेल मी वेयर द चांसेस ऑफ कैविटेशन आर may happen, cavitation may happen, where is the chance, at the inlet of the impeller or at the exit of the impeller, fast inlet, to ye likh bhi lena beta ki jo vapor banne ka kaam hota hai ye kya hota hai, cavitation hota hai, aur ye hamare plates ko kharab kar dega beta, agar ye vapor andar chali gayi na to plates kharab ho jayenge, erode ho jayenge, theek hai। to obvious inlet par ye likhwaya hai beta, turbine pe exit pe hota hai cavitation, aur kya hota hai cavitation ka pura system padhaunga, bahut badhiya system hai beta, hai na, थॉमस कैविटेशन फैक्टर वगैरह सब पढ़ाऊंगा। तो समझो लोगों ने क्या सोचा कि हमारे पास तो अभी भी बहुत पैसा है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा, तो चलो एक काम करते हैं भाई, दिक्कत तो ये है ना कि यहाँ कैविटेशन हो सकता है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो उठाओ इस पंप को बेटा, हटाओ इस पंप को, देखो पैसे का नशा देखो बेटा, ये देखो कुछ पैसे का नशा भी है, कुछ मजबूरी भी है ना, मगर मजबूरी हमने क्रिएट की है, ठीक। ये देखो बेटा यहां गई पंप, ये देखो यहां ये रही पंप बेटा, जल्दी बताओ एचएस कितना है, सक्शन हेड बताओ बेटा, जल्दी एचएस की वैल्यू लिख के दो, एचएस की वैल्यू लिख के दो, पंप सबमर्सिबल जानते हो ना, फ्लोटिंग और सबमर्स दो ही तो चीजें होती हैं, फ्लोटिंग मतलब तैर रही है, बिल्कुल बेटा एचएस हो गया 0। तो जल्दी बताओ सबमर्सिबल पंप में कैविटेशन कहां होगा, सबमर्सिबल पंप में कैविटेशन कहां होगा, जल्दी बोलो सबमर्सिबल, यस वेरी गुड बेटा 0, वेरी गुड बताओ, नहीं नेगेटिव नहीं बोलेंगे कि पांशु, नेगेटिव नहीं बोलते बेटा, नेगेटिव नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे बस 0, क्या भाई 0 है ऐसे बोलेंगे, ठीक है। हाँ भाई कहां होगा कैविटेशन, कहां होगा कैविटेशन, सबमर्सिबल पंप में कहां कैविटेशन होगा बेटा, जल्दी चेक कर रहा हूं मैं आपके आंसर, यस
राजकुमार बिल्कुल सही बोल रहे हो, सौरभ सही बोल रहे हो बेटा। वैमसी क्यों बोल रहे हो एग्जिट होगा? अरे कैविटेशन लो प्रेशर पे होता है, कहां लो प्रेशर हो जाएगा? पहली बात तो सक्शन हो ही नहीं रहा बेटा, सक्शन तो हो ही नहीं रहा, केवल ब्लेड क्या करेगा, ब्लेड यहाँ पर जो ब्लेड है बेटा, यहाँ पर जो ब्लेड है वो थप्पड़ लगाएगा बेटा और पानी को ऊपर फेंक देगा डिलीवरी पाइप में, हो गया। कहीं भी नहीं होगा बेटा कैविटेशन, कहीं भी नहीं होगा। और हमने अपनी इस जुनूनियत में कि हम ठीक है भाई, मोटर आती है 3,000 रुपए की, समर्सिबल लगती है 60,000 रुपए की, कभी कभी 1,00,000 रुपए की भी लगती है, तो हम तो अमीर जाते हैं, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास कोई कमी थोड़ी ना है, ओके लगा लेते हैं बेटा। समर्सिबल लगने के बाद जो वाटर लेवल नीचे गया ना, घर घर में समर्सिबल लग गई और जो वाटर लेवल नीचे गया, ठीक है, मैं देखो मेरे घर में भी समर्सिबल लगी बेटा। क्यों लगी, कब लगी बताता हूं। हमारे घर में हमारे चारों तरफ सबने समर्सिबल लगा ली। अब हुआ क्या, अच्छा गवर्नमेंट की भी दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई नहीं आ रही है। अब मेरे मम्मी डैडी अकेले रहते हैं, अकेला बेटा बेटा है ना, अकेले रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार पानी की बड़ी दिक्कत होती है, 4-4 दिन गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं आ रही। ऑब्वियस है बेटा, अगर 4 दिन सप्लाई नहीं आएगी तो कहां से काम चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है लगाओ समर्सिबल। फिर भी आपको बताता हूं मैं, आज भी मेरे घर में रूल यही है कि समर्सिबल तभी ऑन होगी जब गवर्नमेंट का पानी नहीं आएगा। समझ में आया बेटा, या बिल्कुल ही अर्जेंट है, अर्जेंट चाहिए तो चलो चला लिया, नहीं तो समर्सिबल नहीं चलती बेटा। आज भी हमारे घर में मोटर ही चलती है, ठीक है, क्यों, अरे कम से कम उस पानी को तो सेव करके रखो, कभी इमरजेंसी में काम आएगा, ठीक है। और जितना, और छोटे शहरों में दिक्कत यह है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये एक दिन खत्म होने वाला है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे कोरोना ही नहीं समझ पा रहे, आराम से बैठे हुए हैं, कोरोना ही नहीं समझ पा रहे कि कोरोना फैल सकता है, समझे। तो बेटा थोड़ा सा ना एजुकेट कम से कम खुद तो बनो यार, दूसरे को कर पाओगे नहीं कर पाओगे पता नहीं, खुद तो बनना ही पड़ेगा बेटा, है ना। और एज ए टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा तुम लोगों को कुछ बढ़िया चीजें सिखाना, ये तो मैं सिखाई दूंगा, नंबर भी आ जाएंगे आपके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आया बेटा कि कोई भी सेंट्रिफ्यूगल पंप, कोई भी सेंट्रिफ्यूगल पंप केवल 55 फीट तक ही काम करती है, 8 मीटर तक ही काम करती है, मतलब 7.6 मीटर तक काम करती है, बल्कि 7.6 भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा, क्योंकि जो हेड क्रिएट होगा 7.6, मान के चलिए पंप पे कितना आ गया था 2.76, यहां तक 10.3, तो आपने 7.6 निकाला था, है ना, 2.7 एंड 10.3, तो आपने क्या निकाला था 7.6। उसमें से कुछ बेटा हेड जो होगा वो फ्रिक्शन में भी तो लॉस होगा भाई, इस पाइप में फ्रिक्शन भी तो होगा बेटा, ठीक है। कुछ हेड ऐसा भी तो होगा जो वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी तो चलो नेगलेक्ट मतलब छोड़ सकते हैं अभी, पर आप लोगों को प्रॉपर बात समझ में आई कि आइडियली बेटा 55 फीट से ज्यादा काम, 55 फीट तक काम करेगा, और रियल क्या करेगा 55 फीट से कम ही काम करेगा, बिल्कुल कम काम करेगा, ठीक है। तो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस फंडा। तो मेरे ख्याल से मजा आया बेटा, आपको मैंने डिजाइन सिखाई, ब्लेड की डिजाइन सिखाई, हालांकि धीरे धीरे चले कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्लेड बहुत बढ़िया से सिखाया, बताया कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, फिर मैंने आपको ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, और ये डेरिवेशन आपको करना है, मेरा काम हो गया बेटा खत्म, ठीक है, पूरी चीजें मेरे से मत कराया करो सारे, ठीक है। हेडिंग डालो मैक्सिमम सक्शन हाइट ऑफ सीपी, मैक्सिमम सक्शन हाइट, सीपी छोड़ो यार सीपी तो पड़ी रहे हैं, मैक्सिमम सक्शन हाइट लिखो, तो एक न्यूमेरिकल भी बताता हूँ बेटा, एक न्यूमेरिकल भी देखो, पहले जरा हेयर कटिंग कर दी जाए पानी डाल के, यार बाल कटाने का टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मतलब यार डर सा लग रहा है यार, मतलब बाल कटाने बड़े गंदे से लगते हैं, खुद देखो तो पता नहीं कहीं से बड़े हो गए कहीं से छोटे हो गए, डर सा लगा हुआ है, मैं तो नहीं जाने वाला यार, और तो आप लोग भी मत जाना, बाल बढ़ रहे हैं आपकी एज में तो बेटा बढ़ने चाहिए, जब मैं BHL ज्वाइन किया था बेटा यहाँ यहाँ तक बाल थे, यहाँ मतलब शर्ट शर्ट का कॉलर ढका रहता था, बड़े लंबे लंबे बाल, कहीं चलिए मत जाना बेटा, ठीक है, बिल्कुल सेफ रहो, एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन नहीं, मैंने बोला था एक एक घंटे का प्लान होना चाहिए बेटा मेरा, हर घंटे हर दिन मैं क्या करूंगा, दिन को 3 हिस्से में बांटो और प्लान बनाओ कि इस हिस्से में क्या करना है, इस हिस्से में क्या करना है, ठीक है, दिन के 3 हिस्से करके 2 हिस्से पढ़ाई करनी है और एक हिस्से में बाकी काम करने,
अच्छा चलो ये ड्रॉप कर देकर बताता हूँ। कल मैं वो लाया था ना बेटा टर्बाइन, तो मैं आपको बता था, मैंने वाइफ को, मेरी वाइफ ने बोला क्लास खत्म होती, ये कितनी गंदी लैंग्वेज में पढ़ाते हो, कितना लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हो, बच्चों को बोल रहे हो खिलौना, मैंने खिलौने दिखाए, अरे कम से कम कुछ तो मतलब टॉय बोल दो, है ना, टॉय बोल दिया करो ना। तो मेरे को ये लगा, मैंने वाइफ को बोला मेरे यार ये बताओ, बच्चों को समझ में आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपना स्टेटस दिखाने से, वेदर आई एम गुड इन इंग्लिश और नॉट, ये दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। बेटा आपको सीखना चाहिए, बस मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊं, समझे। अब खिलौना बोलूं या टॉय बोलूं क्या फर्क पड़ता है यार, हाँ भाई बच्चा को ये क्या लगेगा कि सर तो मतलब थोड़ा सा आ जाता है, कई बच्चे आजकल के बच्चों में है, पर बेटा एक बार मेरे से जुड़ गए ना तो तुम्हारी लाइफ मतलब ऐसी चलेगी, कुछ चीजें सीख ली ना खुशी खुशी चलेगी बेटा, बिकॉज लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी कभी ऐसी परवाह नहीं, गलत काम नहीं करना है पर लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, अपनी अपना बेटा नियत साफ रखो, बढ़िया इंसान बनो, बढ़िया इंसान बनो, नियत साफ रखो अपनी ना, कभी किसी को हार्म करके पैसा कमाने की मत सोचो, ठीक है यार। लोकल है तो लोकल है, अपने लोकल होने का अपना मजा है भाई, लोकल होने का मजा है। हमसे बोलो भाई ब्रिज भाषा में बात कर लो, हम तो बेटा ब्रिज भाषा में बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब आई बिलोंग टू आगरा, बट इन दैट एरिया द भाषा इज व्हाट, दैट लैंग्वेज इज ब्रिज भाषा, जो मथुरा की भाषा है वो बोली जाती है ना, तो मुझे मजा आता है उसमें बात करने में, बड़ा बड़ा मजा आता है बेटा, ठीक है। देखो जरा आते HS, Max. तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कहां पर, ये देखिए डिलीवरी पार्ट छोड़ दीजिए बेटा, डिलीवरी पार्ट छोड़ देते हैं, ये छोड़िए इसको, हम बात करेंगे यहां पर देखिए इंपैलर के इस पॉइंट का नाम क्या दिया था बेटा, याद है, ब्लेड का, इसका नाम मैंने दिया था बेटा वन, ठीक है। और ये क्या है, पाइप नीचे आ रहा है, ये क्या है PATM, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर हो। आई एम नॉट सेइंग बेटा ये 10.3 होगा, सुनिए ध्यान से, आई एम नॉट सेइंग ये 10.3 होगा, मैं बस ये बोल रहा हूं कि जिस जगह से आपको मोटर लगा के पानी उठाना है उस एटमॉस्फेयर में पानी किस प्रेशर पे, सो डोंट थिंक दैट दिस इज ऑलवेज 10.3 या 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नो नेवर, ओके। सो प्लीज रिमेंबर, मान के चलिए गवर्नमेंट की पाइपलाइन है बेटा, सपोज मान के चलो ये गवर्नमेंट की पाइपलाइन आ रही है, गवर्नमेंट की पाइपलाइन, और उसमें मैंने अपनी मोटर कनेक्ट कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट की पाइपलाइन में अपना भी तो एक प्रेशर होगा बेटा, अपना भी तो एक प्रेशर होगा ना, तो ऑब्वियस है मुझे वो प्रेशर उठाना है यहाँ पर सक्शन के इस पॉइंट पर बेटा, यहाँ पर मुझे वो, लेट्स से दिस इज वन एंड दिस इज वन डैश, ओके। तो वो प्रेशर उठाओ जिस प्रेशर पे पानी अवेलेबल है, दैट्स ऑल, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, सो अप्लाइंग अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स वन एंड वन डैश, ओके। सो नाउ इन दिस केस पूरा डीएट बेटा, ये ऐसा नहीं होता पाइप, कैसे निकलता है वो बता दूंगा, कोई वोल्टेक्स होता है, फ्रांसिस है बेटा, फ्रांसिस को उल्टा घुमा दो, कुछ नहीं करना, पहले फ्रांसिस ऐसे घूम रहा था ना, आपने देखा था एरिया क्या हो रहा था, आगे आते आते एरिया कम हो रहा था, ठीक है। अब ब्लेड उल्टा घुमा दो, आगे आते आते मतलब बाहर जाते थे तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, तो सारी केसिंग में आपको कल सिखाऊंगा, आज इस पे देखते हैं। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट वन एंड वन डैश, यहां पर आएंगे बेटा, बात करेंगे हम लोग PATM अपॉन रोजी, है ना, ये हो गया बेटा। इसमें वेलोसिटी क्या ले लेते हैं बेटा, वीएस, हाइट क्या ले लेते हैं बेटा, ये एचएस, तो अगर वन डैश पे लेके तो पीएटीएम हो गया बेटा, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, ये क्या है बेटा, रेफरेंस है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर वेलोसिटी क्या मानेंगे, जीरो मान लो, यहां से तो बेटा एंटर करेगा ना, तो मान के चलो तालाब है,
अगर मान के चलो गवर्नमेंट की कोई पाइपलाइन है, सुनना ध्यान से बेटा, गवर्नमेंट की कोई पाइपलाइन है तो भी बेटा पाइपलाइन में फ्लो तो ऐसे ही कर रहा होगा ना वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, सुनना बेटा, उस वेलोसिटी का इस वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहां तो जो पानी चढ़ रहा होगा वो प्रेशर की वजह से चढ़ रहा होगा, ये मैंने सिखाया था कि एक पाइप है, एक पाइप है बेटा, यहां होल्ड कर दो, यहां पर पानी जो चढ़ता है प्रेशर की वजह से चढ़ता है, और अगर ऐसे आ जाए और फिर पानी चढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर और हेड, सॉरी प्रेशर और वेलोसिटी दोनों की वजह से चल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर यहां पर वेलोसिटी है भी, सो द डायरेक्ट वेलोसिटी इज व्हाट, डायरेक्शनल क्वांटिटी, इट विल, इट इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट, ओके। सो वेलोसिटी इज जीरो, एंड व्हाट इज एच, एच इज ऑल्सो जीरो बिकॉज दिस इज माई रेफरेंस लेवल, कम गो टू दैट पॉइंट, दैट इज पी वन अपॉन रो जी, पी वन अपॉन रो जी प्लस वेलोसिटी बेटा यहां पर जब एंटर कर रहा होगा तो क्या होगा, वी एस स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस व्हाट बेटा, एच एस एंड प्लीज रिमेंबर जगह थोड़ा सा बेटा इधर कम हो गई, प्लस प्लस एच एफ फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप। सो दीज आर द फोर पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। प्लीज रिमेंबर बेटा हमेशा फ्रिक्शन वहां ऐड किया जाता है जहां एंड पॉइंट होता है, पानी जिस साइड जा रहा होता है, ओके। सो इन दिस केस व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन राइट एच एस इक्वल टू, एच एस हमें निकालना है बेटा कितना आएगा, पी ए टी एम अपॉन रो जी प्लस माइनस पी वन अपॉन रो जी, कीप दिस इन ब्रैकेट, माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन टू जी, यस माइनस, यस इधर आ गया, इधर आ गया बेटा, माइनस एच एफ एस, एच एफ एस, ओके। सो सी हियर, मुझे बस ये बताओ इस पूरे फॉर्मूले में देखो बेटा, माइनस पी वन है, माइनस पी वन, इसका मतलब ये जितना घटेगा, ये जितना घटेगा एच एस उतना, जल्दी बोलो बेटा, ये माइनस साइन आ रहा है, ये जितना घटेगा ये बताओ एच एस उतना बढ़ेगा या कम होगा बेटा, जल्दी बताओ, सेवन पॉइंट सिक्स मीटर इज इक्वल टू 55 फीट, मुझे ऐसा याद है बेटा, चेक कर लेना एक बार ना? मैं बेटा डिजाइनिंग सेक्टर में हूं बच्चे, डिजाइनिंग सेक्टर, आई एम वर्किंग इन नोएडा इटसेल्फ, नोएडा में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करके यूनिट है नोएडा में, आई एम वर्किंग इन दैट, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है बेटा, क्या होगा, बढ़ेगा, एक बार चेक कर लेना बेटा गूगल पे, मुझे ऐसा याद है कि 7.6 मीटर जो आता है वो 55 फीट आता है, वो आप चेक कर लेना, एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो गूगल पे, मुझे याद है ऐसा, ठीक है, सीधे गूगल पे डाल दो, दैट मीटर इंटू फीट करके अपना निकाल लो बेटा, कितना आ रहा है बेटा, 28 फीट आ रहा है, 28 फीट नहीं होगा यार, मीटर कितना हो गया ये मान के चलो, 3 फीट, 7 पॉइंट, हाँ सही कह रहे हो बेटा, 28 आएगा, 28 आएगा बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसे चेंज कर लेना बेटा, चेंज कर लेना, पता नहीं मेरे दिमाग में शायद डबल पिक्चर रही होगी, डबल रही होगी, ठीक है, सही कर लेना बेटा उसको, सही कर लो, बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या आ रहा बेटा, मेरे दिमाग में क्या रहा बता, एक्चुअल में वो 55 फीट सही है, 55 फीट सही है बेटा, बता देता हूँ कैसे, ये देखो बच्चों, समझ गए वो 55 फीट क्या है बेटा, सही क्वेश्चन पूछा आपने, आपने सही क्वेश्चन पूछा, 7.6 मीटर इज नॉट 55 फीट, है ना, सक्शन पाइप बेटा कब तक काम करेगा, जब तक 7.5, आप समझे बेटा क्या बोल रहा हूं, 55 फीट समझ में आया बेटा, 55 फीट जनरली 55 फीट का मतलब क्या हुआ, 28 यहां पर बेटा, 28 यहां पर और लगभग क्या ले रखा है, 28 यहां पर, तो जनरली जो डिजाइन होती है, हालांकि से सी डिलीवरी पाइप की हाइट ज्यादा भी कर सकते हो ठीक है, मगर एक जब पंप बनाई जाती है तो उसके लिए बात क्या कर लेते हैं, 55, आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, समझ में आया बेटा क्या हुआ, जल्दी बोलो बेटा, समझ में आया वो 55 फीट क्या है, आई एग्री कि 7.6 मीटर बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, आपको समझ में आया, नाउ आई एम गेटिंग दिस, आई एम मेकिंग दिस क्लियर कि 55 फीट बेटा है क्या, वो आप समझ गए बेटा क्या है, डन, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखो बेटा, तो व्हेन इफ P1 decreases क्या होगा बेटा, HS increases मगर किसी भी हाल में P1 बेटा, तो ये बताओ P1 मिनिमम क्या है बेटा, P1 मिनिमम हमने क्या लिखा था, P वेपर,
वेप, पी वेपर बेटा, वेपराइजेशन प्रेशर। ओके सो सिंपली यू कैन राइट, लिख दो बेटा यहां पर फटाफट लिख दो, यहां क्या लिखोगे बेटा, यहां लिखो एच एस मैक्स, मैक्स लिख लो बेटा, मैक्स लिखोगे तो पी वन की मिनिमम वैल्यू डाल देना, बाकी सब आपके हाथ में नहीं है बेटा, सुनो ध्यान से। इन दिस कंप्लीट केस ओनली वन पैरामीटर यू आर चेंजिंग, यू कैन चेंज एंड अदर पैरामीटर्स विल बी ड्रिवन बाय दैट ओनली। सो व्हाट यू कैन चेंज, अपनी मोटर को जितना तेज घुमाना है उतना तेज घुमाओ, और उसको घुमाने से होगा क्या बेटा, उसको घुमाने से पी वन कम होगा, पी वन कम, तो आपके पास एक ही है, बाकी सारी चीजें तो ड्राइव्ड है। कंट्रोलेबल पैरामीटर इज ओनली यू कैन कंट्रोल पीवी, पी वन सॉरी। सो व्हाट इज दैट, दिस इज पी एटीएम माइनस पीवी अपॉन रोजी बेटा, अपॉन रोजी माइनस पी एस स्क्वायर अपॉन टू जी एंड वॉट माइनस HFS. I hope that you got this point. मतलब इसको ये जो मैंने लिखा है ना, मुझे ये उम्मीद लगती है, मुझे ये लगता है कि मैं ना भी पढ़ाता बेटा तो भी आप लिख देते हैं, तो भी लिख देते, क्योंकि मैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट इससे पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ो, ये पार्ट हो गया डन। अब बात करते हैं, सुनना बेटा, ये देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले चलो इफिशियंसी बता देता हूँ, पहले इफिशियंसी का काम आने वाला है, आज एक पॉइंट बताऊंगा बेटा सबसे अच्छा पॉइंट, मगर वो बहुत मजेदार है तो कल पढ़ेंगे। हर क्लास के लिए कुछ तो बढ़िया होना चाहिए ना, जिसमें बच्चों को लगे यार आज की क्लास सक्सेसफुल रही पढ़ने के लिए ना। एक पॉइंट आएगा बेटा, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, और एक्सलेंट तरीके से सिखाऊंगा तुम्हें नेट पॉजिटिव। ये बताओ टर्बाइन किस पे सेलेक्ट होता है, किस जगह पे कौन सा टर्बाइन लगाना है बेटा, किस पे सेलेक्ट होता है, किस चीज पे सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक स्पीड पर, एनएस पर बेटा, किस पर सिलेक्ट करते हैं, एनएस पर करते हैं। ठीक है मगर आपको बता देता हूं कि पंप का सिलेक्शन एनपीएसएच पे होता है, जो आप जाके बोलते हो ना कि यार दो किलो वॉट की सेंट्रीफ्यूगल पंप दे देना, आप बोलते हैं ना बेटा 2 किलो वॉट की, समझे। हाँ टर्बाइन का बेटा किस पे होगा, स्पेसिफिक स्पीड पे होगा, मगर एक जगह नोट कर लेना कि पंप जब सिलेक्ट करने जाते हैं और हम बोलते हैं ना 2 किलो वॉट की पंप दे दो, ये कोई तरीका नहीं होता। इफ यू आर द टेक्निकल पर्सन You should always ask what is the NPSH of this motor, this pump. Before purchasing, you should ask what is the NPSH of this centrifugal pump. Then only you should, मतलब उसके basis पर कैसे होता है, कल सीखेंगे। आज एक काम करते हैं, efficiency भी छोड़ देते हैं, efficiency कल ही देख लेंगे बेटा। एक बड़ा important काम कर लेते हैं, क्या है वो, ये देखिए। और वो मैं नहीं करूँगा बेटा, आप लोग करके देंगे मुझे, ठीक है। I hope ये आप सीख रहे हैं बेटा, और बहुत बढ़िया सीख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये काम मेरे को करके दे सकते हैं। और अगर ये बढ़िया लगा बेटा ये वाला कि भाई सेंट्रीफ्यूगल पंप तो केवल 28 फीट तक ही काम करती है ना, तो एक काम कर लीजिए, फिर क्या करोगे बेटा, फिर आप एक काम कर लीजिए, ये जरूर ये नोट, मतलब जो आपको बढ़िया लगा अभी तक की क्लास, तो अगर आपको बढ़िया लगा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। वैसे मुझे पता है ये उम्मीद रहती है कि जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं ना बेटा, इससे ज्यादा लाइक तो पहले ही हो चुके होंगे, इससे ज्यादा लाइक आ चुके होंगे। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाद में लेक्चर देख रहे हैं, है ना, मतलब 300-400 बच्चा ऐसा फिक्स हो चुका है, मतलब मुझे जहां तक लग रहा है बेटा 400 बच्चा फिक्स हो चुका है जो लगातार मेरे लेक्चर देख रहा है ना, लगातार देख रहा है, ठीक है। ये देखो बेटा, सो लेट मी डिस्कस द पॉइंट हियर, स्पेसिफिक स्पीड, स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, देखना या लिखते हैं, इट इज द स्पीड of pump of a geometrically similar pump। बेटा geometrically का मतलब मैंने आपको पहले भी सिखाया बच्चों, geometrically मतलब आपके पास दो पंप हैं, दोनों geometrically similar कब होंगी, अल्फा थीटा बीटा, मतलब ये सब क्या हो बेटा, बिल्कुल सारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या हो, सी ऑपरेटिंग गलत बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग पैरामीटर गलत बोल रहा हूँ बेटा, बिल्कुल जो एंगल्स हैं वो सारे क्या हो, सेम हो, ब्लेड की डिजाइन क्या हो, बिल्कुल सेम हो, अंतर क्या हो, ए हो सकता है एक 5 मीटर तक पानी उठा रही है और एक 1 मीटर तक उठा रही है ना,
बस ये अंतर आएगा। तो ध्यान से देखो, इट इज द स्पीड ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप विच लिफ्ट्स 1 meter cube वाटर विच लिफ्ट्स 1 meter cube फ्लूइड वाटर, ऐसे बता देते हैं, क्यूब फ्लूइड पर सेकेंड। इसको छोटे में लिखना चाहो बेटा तो आप छोटे में भी लिख सकते हो, मतलब सीधे जिसका डिस्चार्ज लिख दो, जिसका डिस्चार्ज क्या हो बेटा, यूनिट डिस्चार्ज हो, मैंने बड़ा कर दिया, आप चाहो तो लिख दो विच हैज यूनिट क्या बेटा, विच हैज डिस्चार्ज इक्वल टू वन यूनिट बेटा एंड अप टू सॉरी नॉट एंड लिफ्ट दिस पर सेकेंड अप टू यूनिट हाइट 1 meter हाइट, मतलब है मतलब 1 meter cube per second पानी फ्लो कराया, कहां तक कराया बेटा 1 meter हाइट तक कराया है ना, तो पानी क्या करेगी, पंप पानी फेंकेगी और कहां तक बेटा 1 meter हाइट तक पहुंचा दे उसे, ठीक है। तो ये देखिए लिफ्ट वाटर 1 meter, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, सुनो ध्यान से, कल मैंने आपको कुछ रिलेशन सिखाए थे, बोला था कि ये रिलेशन बेटा हर जगह काम आते हैं, हर जगह मतलब चाहे टर्बाइन हो या फिर क्या हो बेटा हमारे पास पंप हो, हर जगह काम आएंगे। और मैं गारंटी दे सकता हूं बेटा, जो मैंने आपको 3 रिलेशन सिखाए थे उस पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले बेटा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इट इज द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप विच लिफ्ट्स, क्या होगा बेटा विच लिफ्ट्स, ये देखो डिस्चार्ज आ गया बेटा, क्यू हो गया क्यू, ये क्या हो गया बेटा एच हो गया एच, और ये क्या हो गया बेटा एन। तो कल जो सिखाया था बेटा उसमें से रिलेशन निकाल के दो, इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए बेटा, ठीक है, निकालो, सिखाया है मैंने आपको। तो मैंने क्या किया बेटा कल वाले, जैसे मैं जो याद रखता हूं, मैं कौन कौन से याद रखता हूं बेटा, रूट एच प्रोपोर्शनल टू डी एन, और एक क्या याद रखता हूं बेटा, क्यू प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, डी क्यूब एन, हो गया। या बेटा एच आ रहा है एच चाहिए, क्यू आ रहा है क्यू है, एन चाहिए एन है, यहां से टी निकाल के वहां रिप्लेस कर दो बेटा डी निकाल के, सो देयरफॉर क्यू क्या आ जाएगा बेटा, क्यू प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा रूट एच बाई एन टू दी पावर 3 एंड व्हाट बेटा एन, डी निकाल दिया रूट एच बाई एन बेटा डी, और ये क्या गया एन, सो इफ आई राइट दिस, सो दिस इंप्लाइज दैट क्यू प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 3/2 एंड व्हाट इज दैट अपॉन एन स्क्वायर, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, क्यू इक्वल्स टू लेट इट आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट विच इज व्हाट 3/2 अपॉन बेटा क्या एन स्क्वायर, ठीक है, डन बेटा, चलो तो ये बात हो गई हमारी। अब हमें कंडीशन बेटा, ये तो रिलेशन आ गया, और आपको पता है ये काम हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, आप लोगों को आता है ये काम, ठीक है, क्या काम करना है बेटा, डेफिनेशन पे चलते हैं। एट क्यू इक्वल टू 1 meter cube per second पर सेकेंड एच इक्वल टू 1 meter बेटा, एच इक्वल टू 1 meter क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन एस एन एस, एन क्या है बेटा एन एस है, रख लेते हैं क्यू बेटा 1 हो गया एच 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा बेटा के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा एन एस स्क्वायर, सो देयरफॉर के इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर, रख दो बेटा वैल्यू, हो गया काम बड़े बढ़िया से, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा, यहां जैसे हम एन एस रखेंगे बेटा, मैं सीधे एडजस्ट करके दे रहा हूं आपको आंसर, सो देयरफॉर के की वैल्यू वहां डालो बेटा, एन एस लिखो, एन एस आ गया एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच टू द पावर 3/4 बेटा, टर्बाइन में 5/4 आया था, टर्बाइन में पावर आई थी बेटा, याद है ना पावर किस में रखनी है बच्चों, याद है ना पावर किस में रखनी है बेटा, यहां टर्बाइन वाले केस में किलोवाट में बेटा, मत गलती करके आना, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, किलोवाट में रखना, ठीक है, तो किलोवाट में जो टर्बाइन का केस था, यहां तो बेटा कुछ नहीं है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड रखना है, ये मीटर रखना है और ये आरपीएम रखना, क्या रखना आरपीएम, आज आपका एनएस आ गया, प्लीज रिमेंबर, फिर मैं आपको बता दूं बेटा एनएस और एन की यूनिट, आपको लग रहा है कि एनएस और एन की यूनिट तो सेम होगी है ना, बोलने से तो ऐसे लगता है ना दोनों स्पीड है, पहले भी बता चुका हूं बेटा नहीं, एनएस की यूनिट का कोई लेना देना ही नहीं है, केवल एक नंबर आएगा, और प्लीज रिमेंबर एनएस की यूनिट एन के बराबर नहीं होगी, क्योंकि दिस इज नॉट द डायमेंशन लेस पैरामीटर, दिस इज नॉट द डायमेंशन लेस, ओके, सो यू कैन कीप दिस इन माइंड कि एनएस, ठीक है,
मगर आपको फिर से बता देता हूं, पंप का सिलेक्शन एनएस पे नहीं होता। डिफाइन कर रखा है ओके, डिफाइन कर रखा है ओके, ठीक है। डिफाइन इसलिए कर रखा है इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर द टू और थ्री सिमिलर पंप्स ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन यू कैन हैव इन एनी पैरामीटर। तो एनएस इसलिए डिपेंड किया है कि कंपैरिजन में काम आता है, पर इन सिलेक्शन इट इज नॉट प्लेइंग रोल। प्लीज रिमेंबर व्हिच वन इज गोइंग टू प्ले द रोल, व्हिच पैरामीटर। द एनपीएसएच, द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इज प्लेइंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, नाउ सी दिस। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस, बस 5 मिनट और करते बेटा, 5 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है। 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे क्लास, ठीक है। ये देखो, बिल्कुल मन से पढ़ो बेटा, कल जब एनपीएसएस सिखाऊंगा, ठीक, तब देखेंगे कि आपको कितना मजा आता है, बताना बेटा कि मजा आया ही नहीं आया। सब न्यूमेरिकल्स वगैरह सब तैयारी होगी बेटा, बस लगे रहो मेरे साथ, मतलब काम करते रहो, सिलेक्शन होगा। मेहनत करने वाला बच्चा बेटा कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। उस दिन मैं फेसबुक पे लाइव गया था, उसके बाद लोगों के कमेंट आए बेटा, ठीक है, लोगों का कमेंट आया बच्चों का, तो मैंने उसमें एक चीज बोली है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में बीएचएम में मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बच्चे का रिप्लाई भी आया कि सर आपका आपका मैंने लेक्चर मतलब सुना, इंटरव्यू टाइप का कुछ भी है ना आपका, और मैं बीएचएम, मुझे नहीं पता था कि वो एक और बच्चा बीएचएम में सिलेक्ट हुआ है, एक और बच्चा बीएचएम, एक एनटीपीसी से आया बेटा, एनटीपीसी से। और बताता हूँ, मेहनत करने वाले की बेटा कभी भी फेलियर नहीं होता, ठीक है। उसे अपनी पढ़ाई का रिटर्न 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, फेलियर कभी नहीं होता। मैं रियल बोल रहा हूँ बेटा, जो बच्चा दिल से लग के मेहनत करेगा वो फेलियर का मुंह कभी नहीं देखता, ठीक है, कभी नहीं बेटा, है ना। बोलते ना सर किस्मत ही खराब हो, कुछ नहीं बेटा, सब कभी ना कभी वो ऐसा काम आएगा आपकी पढ़ाई आपकी मेहनत कि आप वो रंग बना देगी बेटा, रंग जमा देगी, ठीक है। एक बच्चा था बहुत एवरेज था, एवरेज पढ़ाई में, ठीक है। तो मगर ये मैंने ये बोल रखा है बेटा, आपको बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से, बड़ी बड़ी क्लियर बात बता दे रहा हूँ। जो बच्चा एक साल, भाई सीधी सी बात है, बड़ा फर्क क्लियर सी बात बताता हूँ, मान के चलिए 400 बच्चे इस टाइम मेरे से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि अगले साल इसमें से 100 सिलेक्ट हो जाए, 80 हो जाए, है ना। पर बेटा आपको बता रहा हूं, आप पढ़ाई मत छोड़ना, आप इस साल लग के पढ़ाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा आने दो। पहली बात तो रिजल्ट का प्रेशर मत देना, क्योंकि आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, मैं गारंटी देता हूं इसकी, ठीक है, काम आएगी बेटा, बिल्कुल काम आएगी, ठीक है। हाँ, दूसरा, नहीं होगा तो एक साल और ट्राई करना, एक साल और ट्राई करो बेटा, मेरा पूरा पक्का एक्सपीरियंस है, फेल केवल वो होता है जो फेलियर के डर से बेटा पढ़ाई छोड़ देता है, अदरवाइज मैंने फेल होते नहीं देखा बेटा। कल एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है, मतलब मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो कल एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है बेटा, वो 34 साल की उसकी, आप बोलेंगे सर सोचिए, है ना, मगर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था, मतलब उसे डेडिकेशन था कि सर मुझे आना ही आना है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। हालांकि वो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहा था, ठीक, हो गया बेटा सिलेक्शन, कल हो गया सिलेक्शन उसका, कुछ रिजल्ट आया, फोन आया था, पता नहीं आपको पता है या नहीं, शायद मेरे पास तो कल कॉल आया तो मुझे बताया कि सर हो गया सिलेक्शन, ठीक है। एक बच्चे का कॉल आया, सर मेरा गेट में तो नहीं हुआ, पर आज की डेट में मैं लगा रहा और मेरे स्टेट में मैं गर्ल स्टेट ऑफिसर हूँ, गर्ल स्टेट ऑफिसर है बेटा, वो अपने एसएससी जेई के थ्रू गया होगा या कैसे भी गया होगा, मगर बताया बेटा, देखना मेरे फेसबुक पे उसने डाला दिया पूरा पोस्ट, समझे। अपने ऊपर विश्वास रखो बेटा, दिक्कत आएगी मुझसे बात करो, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, है ना। मगर बेटा जुनून होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का ना, मेरे बोलने के तरीके से समझ में आना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, जुनून, जिसके अंदर जुनूनियत होती है ना बेटा, वो सक्सेसफुल जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। मगर ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा, मगर दम लगा दो। दिक्कत बताए क्या है, आप बोलोगे सर आप 400 बच्चे पढ़ाओगे, आप बोल रहे हो सिलेक्शन होगा 60-70-80 का, होगा ही बेटा, क्यों, क्योंकि जो मैं तरीके सिखाता हूं आप उसे कंटिन्यूसली पूरे साल फॉलो ही नहीं करते। मैं बता रहा हूं बेटा, जो मैं सिखाता हूं उसको 20% बच्चे फॉलो करते हैं, 20%, उससे भी कम करते होंगे बल्कि। तो जब आप फॉलो ही नहीं कर रहे, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट। तो मैंने कल भी कुछ सिखाया था बेटा जाते जाते, आप जरा सीखो बेटा उस पॉइंट को, मेरी वो बात सीखो, मैं यही सिखाना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई ना बेटा और आप उस तरीके से चल दिए, तो जो मेरे तरीके से चला है बेटा वो सिलेक्ट हुआ है। मैंने कभी इवन अ सिंगल पर्सन आई हैव नॉट सीन गॉट फेल्ड इन द दिस एग्जामिनेशन, समझे। मेहनत करनी है बेटा, लगो ढंग से, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यही नहीं सिलेक्शन की बात ही नहीं,
हमेशा, जब तक मैं हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आया शाफ्ट पावर। क्या हुआ बेटा, प्लग इन किया मोटर को, बेटा प्लग इन किया तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हुआ बेटा, क्या है बेटा, शाफ्ट पावर, शाफ्ट घूम गया, है ना, शाफ्ट घूम गया बेटा। फिर क्या हुआ, शाफ्ट तो घुमा पर मैकेनिकल फ्रिक्शन हो रहा था, मैकेनिकल फ्रिक्शन हो रहा था तो क्या हुआ, इंपेलर थोड़ा कम स्पीड से घुमा, इंपेलर उल्टा चल रहा है इंपेलर, ठीक है, इंपेलर पावर, ठीक है बेटा, इंपेलर पावर। फिर इंपेलर घुमा, मगर इंपेलर घुमा बेटा, मगर वो सारी ताकत पानी को नहीं दे पाया उठाने के लिए, सारी ताकत नहीं दे पाया। तो फिर क्या है बेटा, इसको अगर बात करें तो यहां से आगे बेटा, अगर मैं बात करता हूं बेटा वाटर पावर, लिखने को तो मैं वाटर पावर भी लिख सकता हूं, चलो वाटर पावर ही लिखते, क्या दिक्कत है, लिखते बेटा, उल्टा ही तो चल रहा है सिस्टम, चलने तो भाई, बुक नहीं लिखती तो उससे हमें क्या लेने देना, हम लिखेंगे वाटर पावर, शाफ्ट पावर, इंपेलर पावर और वाटर पावर बेटा। ठीक है, फटाफट से बाइंड अप करते हैं और कुछ बढ़िया चीज सिखाने वाला हूं यहां पर। शाफ्ट पावर तो आप समझ लीजिएगा क्या आ जाएगी बेटा, टॉर्क इंटू, टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है बेटा, डन। अच्छा इंपेलर पावर तो बेटा इंपेलर तो वही हुआ ना जो कल जिसका नाम रनर था आज उसका नाम ही तो इंपेलर रखा है, कल जिसका नाम रनर था आज उसका नाम इंपेलर रखा है, तो क्या फर्क पड़ता है। ये लो इंपेलर पावर लिख देता हूं बेटा, क्या था, रो ए वी वन, रो ए वी वन याद है बेटा, वी डब्ल्यू, सुनना बेटा ध्यान से, वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू, यही था बेटा भाई, कल तक जो क्या था रनर था वही इंपेलर है, कोई नाम ही चेंज किया बस। ठीक है, बताना बेटा इसमें से कौन सा टर्म हटा दूं, जल्दी बोलो कौन सा टर्म हटाऊं, एक ही रहेगा, फटाफट बताओ बेटा एक ही रहेगा, जल्दी बताओ कौन सा हटा दूं, VW1 या VW2, जल्दी बोलो, अरे सिखाया ना आज डिजाइन में, बताया तो बेटा, बताओ फटाफट कौन सा टर्म हटा दें, बोलो VW1, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि क्या करेंगे सर इसमें से VW1 हटा देंगे, क्योंकि इनलेट पे क्या है वेलोसिटी क्या है रेडियल है बेटा, तो क्या जाएगा VW2 और कितना आ जाएगा बेटा U2। ठीक है, अब आ जाओ वाटर पावर पे, वाटर पावर मतलब वाटर को कितनी पावर मिली, कैसे पता चलेगा वाटर को कितनी पावर मिली, वाटर को कितनी पावर मिली मतलब वाटर अपने अपने जीरो लेवल से जहां था पंप की वजह से कितना ऊपर गया, ग्राउंड पे था बेटा, पंप ने उसे उसके अपने लेवल से कितना ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो वही क्या है बेटा, ध्यान से देखो, रो जी क्यू बेटा, ध्यान से देखना, रो जी क्यू, और रो क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, रो क्यू को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, रो ए वी वन, तो रो क्यू तो ये हो गया और बेटा क्या आ गया, जी आ गया और क्या आ गया, एच एम, एच एम। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज एच एम, एच एम इज मैनोमेट्रिक हेड, आपको पता भी होगा बेटा, मैनोमेट्रिक, मैनोमेट्रिक हेड, व्हाट इज दिस, दिस इज हेड, हेड अगेंस्ट विच, अगेंस्ट विच अ पंप हैज टू वर्क, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू, हैज टू वर्क, कितना उसे वर्क करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो चलो यहां लिख ही लेते हैं बेटा, एच एम लिख लेते हैं, क्या आएगा, पहले तो कहां से बेटा पानी कहां था, ग्राउंड पे था, तो पहले तो सक्शन पाइप के बराबर उठाया, फिर पंप का पंप ही कर रही है ना बेटा सारा काम, पहले तो सक्शन पाइप की हाइट के बराबर उठाया, फिर बेटा डिलीवरी पाइप की हाइट के बराबर उठाया, साथ ही साथ फ्रिक्शन को भी ओवरकम किया होगा भाई, जो भी काम किया होगा पंप ही कर रही है ना बेटा, तो क्या हो गया इंपेलर कर रहा है, चलो कौन कर रहा है इंपेलर, ओके, तो ये क्या हो गया एच एफ, और क्या हो गया बेटा एच एफ डी हो गया। साथ ही साथ एक चीज और देखो, जब मेरे जैसे मेरे बाहर मोटर लगी है बेटा, मैंने मोटर चलाई तो ये बताओ बस यही हुआ, या टंकी में गिरते वक्त, टंकी में गिरते वक्त पानी की कोई स्पीड भी थी, ठीक है, ये बेटा ये यहां पर आए थे, यहां पंप लगी हुई थी, यहां पंप लगी हुई थी, यहां ये था, बस यहां से जब बेटा यहां से पानी गिर रहा था तो ऐसा तो ना जीरो वेलोसिटी से गिर रहा था, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये डिलीवरी पाइप है बेटा, डिलीवरी पाइप, और स्पीड कितनी है vd, सो व्हाट आई कैन राइट हियर, vd स्क्वायर डिलीवरी पाइप स्क्वायर अपॉन 2g। vd स्क्वायर, तो टोटल मिला के देखा जाए तो इंपैक्ट बेटा सुनो, पानी को क्या क्या मिला, पानी इतना उठा, इतना उठा पानी, इतना फ्रिक्शन ओवरकम करके आया, इतना फ्रिक्शन ओवरकम किया आया और इस वेलोसिटी से टैंक में गिर गया। ठीक है, तो ऑब्वियस है पानी को इतनी सारी पावर मिली होगी, कहां से बेटा
embarrassing. डन। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये देखिए, अगर आप यहां से यहां जाते हैं बेटा, यहां से जाओ यहां, तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल इफिशियंसी। क्या बोलेंगे बेटा? मैकेनिकल, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी से इंपेलर की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल, ओके, मैकेनिकल, ओके। यहां देखो बेटा, इंपेलर से अगर वाटर पावर की साइड जाओगे, इंपेलर से, तो इसे बोलेंगे बेटा, वैसे तो इसे क्या बोलते थे, हाइड्रोलिक बोलते थे, मगर यहां पर इसे मैनोमेट्रिक बोलते हैं, मैनोमेट्रिक। पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, पता नहीं दिख भी रहा है क्या, कहां दिख रहा है भाई, रुको जरा, अब दिखेगा, अब दिख रहा होगा, इतना ऊपर चलेगा कि पता चला दिख ही नहीं रहा है, रुकना बेटा, दिख रहा है कुछ, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस इतना बता दो बेटा, यहां से यहां की बात करेंगे तो मैकेनिकल, और यहां से यहां की बात करेंगे तो मैनोमेट्रिक। मैनोमेट्रिक नाम कहां से आया? इस हेड से आ गया बेटा, मैनोमेट्रिक हेड से, ओके। तो ये देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बेटा, खत्म करते हैं बस ये इफिशियंसी और लिख लेते हैं, आज की क्लास खत्म करेंगे ना, इफिशियंसी मैनोमीटर, मैनो, दिस इज मैनो। तो क्या आएगा बेटा? आउटपुट। तो अगर आप इस साइड आ जाए, यहां आ जाए, तो ये आउटपुट है बेटा, ये इनपुट है, इंपेलर घूमा तब जाके पानी ऊपर उठा, ओके। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा वाटर पावर लिख लो या मैनोमेट्रिक हेड लिख लो बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा रो ए वी वन जी एच एन, रो जी क्यू एच हो गया बेटा, ये हो गया अपॉन दिस, इसने एगो किया है बेटा। तो क्या आ जाएगा? रो ए वी वन और क्या बेटा वी डब्ल्यू टू और यू टू। सो सिंपली आई कैन से इफिशियंसी मैनो, इफिशियंसी मैनो इक्वल्स टू व्हाट? जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू और कितना आ जाएगा बेटा यू, वी डब्ल्यू टू और यू, ये मैनोमेट्रिक हो गए। और एक काम करो, मैकेनिकल खुद लिख लो बेटा, मैकेनिकल वाली खुद ही लिख लो, ये चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, इफिशियंसी मैकेनिकल, इफिशियंसी मैकेनिकल क्या आ जाएगी बेटा, इफिशियंसी मैकेनिकल, ये तो आ जाएगा इंपेलर पावर, ठीक है। तो यहां पर रो ए वी वन वी डब्ल्यू टू यू टू इंपेलर पावर अपॉन, इंपेलर को कौन चला रहा है बेटा? शाफ्ट चला रहा है पहले ना, शाफ्ट को पावर मिली होगी, तो क्या आ जाएगा? टॉर्क इन टू ओमेगा। यह आप क्या लिख सकते हैं? 2 pi n t by 60। तो ये आपकी दो इफिशियंसी हो गई। कोई पूछे ओवरऑल इफिशियंसी बता दो बेटा, ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ओवरऑल बोले तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहां तक क्या आ गया बेटा? ये आ गया हमारे पास इफिशियंसी ओवरऑल इक्वल्स टू इफिशियंसी मैनो, मैनो इनटू इफिशियंसी मैकेनिकल। बड़ा गंदा सा लिखा है, वो खुद चेक कर लो बेटा, समझ में आती है बात, है ना। तो आई होप कि आपने आज पंप को सीखा बेटा, और कुछ बढ़िया बातें भी सीखी, कुछ बातें भी सीखी, ठीक है। तो आपको अगर लेक्चर बेटा बढ़िया लगा है, जो लोग, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा, अरे अगर प्लान कर रहे हो एडमिशन लेने का तो एडमिशन लो बेटा, ठीक है, पढ़ाई शुरू करो बढ़िया से, और बढ़िया से शुरू करो, है ना। और अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप दीक्षित 10 कोड यूज कर लें, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली टीचर शुरू में ही बता देते हैं कि भाई ये मेरा कोड है, ये यूज करो, क्योंकि बाद में लगता है बच्चे भाग जाएंगे, है ना। मगर ठीक है यार, मेरे को अपने बच्चों पे विश्वास है, ठीक है, ठीक है, करो बेटा, तुम्हारी मर्जी है यार, इसमें क्या है। तो ये देखो, ये कोड है बेटा, इसको यूज करोगे तो क्या कर सकते हो, प्लस की को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। इससे मेरी परफॉर्मेंस पता चलता है बढ़िया है, ठीक है, वैसे तो तुम्हारी नजर में मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर अगर ये करोगे, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये कोड यूज करें बेटा, है ना, ना कोई और कुछ कोड यूज करने से बेहतर, मैं बोलूंगा कि आप ये कोड यूज करेंगे तो मेरे को फायदा रहेगा, ठीक है। चलो ये बात खत्म करते हैं, बाकी अगर लेक्चर बढ़िया लगा है तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बोलो, ठीक है, कि आओ भाई पढ़ो, समझ में आ गई बात। वो तो मैं पता है यार क्या करना होता है टीचर के लिए, वो अपने काम खुद करते रहा करो, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, है ना, बाय बच्चों, बाय।